गया सर। ओके सर, ठीक है सर, चलो। ओके, तो गुड इवनिंग सर टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली इनकम टैक्स में अदर सोर्स क्लास हो रहा है सर। सवाल मन में आ ही सकता है कि सर मॉर्निंग का क्लास आप इवनिंग में शिफ्ट कर दिए। नहीं सर, शिफ्ट नहीं किया, क्लास मॉर्निंग में ही होगा, बट ये कुछ लास्ट 5-7 दिन से ना कुछ पर्सनल काम के कारण ना थोड़ा सा ना टाइम, मतलब उस टाइम पे कुछ काम पड़ जा रहा है, तो मुझे मतलब इमरजेंसी के कारण निकलना पड़ रहा है। तो ड्यू टू दैट रीज़न थोड़ा सा आई थिंक अगला और एक हफ्ता मुझे ऐसा शायद करना पड़े। मैं मतलब कंफर्म नहीं करूँगा कि होगा, बट हो सकता है कि मैं कभी हो सकता है क्लास थोड़ा पहले बोलूँगा, या फिर ऐसा बोलूँगा कि सुबह का क्लास को शाम को, इस तरह से थोड़ा सा ऑल्टरनेट करूँगा अगला एक हफ्ता लाइव क्लास के लिए। बाकी अगर कुछ होमवर्क सॉल्व करने का जो भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, आप लोग प्लीज़ क्लास कर लीजिएगा, और जैसे मेरे को टाइम होता है एडजस्ट होके मैं लाइव क्लास जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ले लूँगा। सोमवार को भी ऐसा हुआ था, मंडे को और आज भी ऐसा हुआ, तो अभी थोड़ा सा ना 4-5 दिन ऐसा मे भी हो सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को थोड़ा सा बोल दिया कि सर अगला एक हफ्ता थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ऐसे आई नो आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, बट मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके पहले बोलने का, ठीक है, जितना हो सके मैं पहले, एटलीस्ट 2 आवर्स पहले तो बोलूँगा सर, ठीक है, कम से कम। तो ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं सबको? था ऋषभ, शिवम, प्रियाक्षी, बोझा कैसे हम की बोल रहा हूँ, नंदिनी सर, ठीक है, बस मे भी हो सकता है अगला अपकमिंग 7 to 10 days में भी ऐसा कुछ थोड़ा सा क्लास में लूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम का जो मतलब सुबह का मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा सा अल्टरनेट हो जाएगा मे भी, ठीक है, नो इशू। चलो फिर आधा से उसमें ध्यान लगाते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग अभिषेक, अभिषेक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ अभिषेक, मैं अभी वैसे ही बोल रहा था कि अगला मैं भी कुछ पर्सनल रीजन में कुछ अर्जेंसी के कारण थोड़ा सा मॉर्निंग इवनिंग में अल्टरेशन होगा अपकमिंग 7-8 days, वही मैं जस्ट अभी बोल रहा था, तो तुझे भी एक बार बता दिया, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तुम लोग ऐसे रहते हो आई नो, बट थोड़ा सा अभी क्योंकि कुछ अर्जेंसी आ गया, तो कभी सुबह का क्लास शाम को, शाम का क्लास सुबह को, और साथ में रिकॉर्डेड भी आप लोगों को मैं अवेल करता रहूँगा, तो थोड़ा सा एक हफ्ता ऐसा होगा सर। ओके, मेरा क्लास, मैम का जो क्लास है उसमें प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं है, मेरे क्लास में ऐसा होना, जिन लोगों के मैम के क्लास क्लास रहता है उनको बोल। तो अदर सोर्स में क्या बताएंगे सर, लास्ट वीक में आपको अदर सोर्स का इंट्रोडक्शन बताया था कि जिसका कोई हेड नहीं होता उसका एक ही हेड होता है, दैट इज अदर सोर्स। हाँ सर, जिसका कोई हेड नहीं है उसका एक ही हेड है अदर सोर्स। तो जिसका कोई हेड नहीं है मतलब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को एक अलग हेड दे दिया। ऐसे 5 हेड है सर, आप सबको पता होगा, इधर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, और 5 हेड्स ऑफ इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग हेड, जैसे कि सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, अलग अलग हेड लगा के आपसे इनकम लेता है, मतलब बताते कि भाई आपका ये इनकम है, और फिर आपको क्या बोलते हैं इसमें टैक्स भरो। तो लास्ट वीक मतलब सॉरी कल के क्लास में, यस्टरडे वाला क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अदर सोर्स भी एक हेड बनाया है, और अदर सोर्स के अंदर क्या क्या इनकम आ सकता है इसका भी एक लंबा लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोफॉर्मा के अंदर बताया। मैं नोट्स आज शेयर कर लूंगा आप लोगों से, ऑलरेडी कर दिया मैं सर आप लोगों के साथ, तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, और भी आगे आगे चर्चा चलेगा कुछ ऐसे ऐसे इनकम जो मे भी हो सकता है कि फॉर्मेट के अंदर या प्रोफॉर्मा के अंदर नहीं है, बट हम लोग सेंस लगाएंगे कि किस तरह से और भी इनकम जुड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ इनकम होते हैं सर जिनको हमेशा बोलना पॉसिबल नहीं होता, बट जिसका कोई जगह नहीं वो अदर सोर्स में उसका ठिकाना लग जाता है। तो आज मैं आपको बेसिकली सर सेक्शन वाइज हर पॉइंट में आऊँगा, कि जैसे मैं लास्ट दिन सेक्शन के बारे में बात कर रहा था, बट मेनली आपको मैं ओवरव्यू दे रहा था, टैक्स रेट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, टैक्स रेट के बारे में बात कर रहा था कि अदर सोर्स के अंदर क्या रेट ऑफ टैक्स चलता है, कब नॉर्मल रेट टैक्स नॉर्मल स्लैब में आता है, कब फ्लैट 30% का टैक्स आ सकता है, ठीक है। तो
या फिर अगर आप मतलब अनडिस्क्लोज आपका इनकम जो है, अगर ये आप डिस्क्लोज नहीं करते हो, बताते नहीं हो भी कहाँ से इनकम है, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते, आपका इनकम का सोर्स का प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आपको मैक्सिमम 78% तक भी टैक्स लगाया जा सकता है सर। हाँ, ये सब मैं बताया था। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड में जो भी डिटेल्स है लिखते हुए समझते हुए चलूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर किया, आप लोग थोड़ा मुझे कन्फर्म कीजिएगा। हुआ है क्या स्क्रीन शेयर? ओके सर, यस सर। ठीक है, आज थोड़ा सा ऐप काम नहीं कर रहा है तो मुझे समझ में ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर ये मैसेज ही आता है ऐप से, क्या होता है ना, समझ आता है। आज पता नहीं सुबह से ऐप भी प्रॉब्लम कर रहा है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता ही रहता है। ठीक है, बट क्लास समझ में आने से ही हो जाएगा। जैसे मैं एक थोड़ा सा कल का डिटेल्स निकाल लेता हूँ एक बार। कल के क्लास में मैं कुछ नोट्स तो लिखाया नहीं था ना? नहीं, कुछ लिखा नहीं था, बस मैं नहीं सर, प्रोफार्मा पढ़ाया, बस प्रोफार्मा पढ़ाया था, लिखाया कुछ नहीं था। यस सर, याद आ गया मुझे। ठीक है, चलो तो चलो देखते हैं आधर सोर्स के अंदर क्या है, क्या समझने को मिलेगा। ठीक है, डिटेल्स नोट्स एकदम लेटेस्ट जो भी है मैं आपको प्रोवाइड किया, क्वेश्चन आंसर के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ आपको यहाँ मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स मतलब कल के क्लास में ये सब डिटेल्स समझा के रखा है। ठीक है, कि आधर सोर्स इनकम में क्या क्या इनकम मेनली हो सकता है, जिसमें डिविडेंड इनकम, हाँ सर, वेरी पॉपुलर इनकम, बहुत ज़रूरी एक इनकम है आधर सोर्स के अंदर। आज इसका थोड़ा डिटेल्स डिटेलीकरण होगा, डिटेलीकरण मतलब थोड़ा डिटेल्स में डिविडेंड इनकम को समझेंगे सर। ठीक है, डिविडेंड इनकम को समझेंगे, कैजुअल इनकम के बारे में भी बात करेंगे। बट कैजुअल इनकम आप लोगों को पता है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह कल बताया आप लोगों को। सेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वेरी इंटरेस्टिंग एरिया सर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी। इसका क्या खेल है आज बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा बताना पड़ेगा सर, ये सब तो बस प्रोफॉर्मा के अंदर बताया था, बट अब जाके आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन भी आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर नेक्स्ट में आ गया सर 156 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8, ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है, इसमें भी बात करना चाहिए। एडवांस अगर फॉरफिट करते हो, ये कैपिटल गेन के अंदर भी बात हुआ था, यहाँ पर भी बात करना चाहिए। अंदर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। इस तरह से अलग अलग सेक्शन जो भी है, 56, 57, 58, फिर मैं आपको 57, 58 भी बताया था। 57, 58 के अंदर आपको मैं बताया था जैसे डिडक्शन अलाउबल, मतलब आप अदर सोर्स में क्या क्या डिडक्शन अलाउड कर सकते हो, मतलब कौन सा खर्चा आप अदर सोर्स इनकम में माइनस करके दिखा सकते हो। ठीक है, इट्स अ वेरी वाइटल पॉइंट सर, कि क्या क्या इनकम आप माइनस करके दिखा सकते हो अदर सोर्स के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये सब तो आपका इनकम हो गया, लेकिन सारा इनकम पे थोड़ी ना टैक्स देना पड़ता है, इनकम से आप कुछ डिडक्शन भी तो मांगोगे ना, क्योंकि इनकम पे टैक्स दे दोगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो ये हायर टैक्स हो जाएगा, तो इसलिए कुछ डिडक्शन भी बनता है, लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल मतलब कि भाई जो अदर सोर्स इनकम के लिए मेरा बन जाता है, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 57 के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस के बारे में बता के रखा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिविडेंड्स और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ है जो मैं आपको कल बताया था, आगे आगे इसका और डिटेल्स में बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड वगैरह, सेक्शन 57 का एक पूरा डिस्कशन हुआ था सर कल के क्लास में। फैमिली पेंशन के ऊपर भी एक बात हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन रिसीव के बारे में भी एक डिस्कशन मैंने किया था। तो ये सेक्शन 57 है, फिर मैं आपको बोला था। और अच्छा, तो मेन बात क्या था सर, ये जो पूरा प्रोफार्मा मैं आपको एक बार फिर से एक बार जस्ट कनेक्ट किया, इसके पीछे और कुछ नहीं है, कि जो भी आपका अदर सोर्स इनकम है और जो भी आपका रीजनेबल डिडक्शन है एज पर 57, ठीक है, लेस करके इनकम से डिडक्शन को हटाओ भाई, इनकम से डिडक्शन जो भी दे सकते हो, ठीक है, रूल में रह के उसको माइनस करने के बाद जो बचा रहेगा दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सर, डोंट वरी, आपको और मजा आ जाएगा। फिर क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, काफी क्लैरिटी आता है सर, क्या चल रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत क्लैरिटी आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी रेडी किया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ाने से कराने से पहले ना प्रोविजंस को थोड़ा और जानना जरूरी है। ठीक है, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन करा के खत्म कर सकता हूँ, बट उससे कोई लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाद में आप लोग खुद ही बोलोगे सर ये क्यों किए, ये किस लिए किए, तो क्यों किस लिए, ये सब सवाल आने से पहले प्रोविजंस को कवर कर लेना चाहिए सर। ठीक है, बिकॉज बार बार बोलता रहता हूँ, इनकम टैक्स जो है सर या जीएसटी जो भी टैक्स है ये प्रोविजन बेस्ड है, तो अगर आपको प्रोविजंस में
पकड़ है, ग्रिप है, तो फिर आपका क्वेश्चन सही रहेगा, आपका आंसर सही रहेगा, आप क्वेश्चन भी समझ जाओगे। लेकिन बिना प्रोविजन जाने क्वेश्चन करने का कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सर और कुछ नहीं, मतलब आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि भाई ये कोई दूसरा प्लैनेट से तो नहीं आ गया, क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर इस बार ना कुछ अलग ही क्वेश्चन दे दिया। मैं यही नहीं समझता कि अलग क्या दे देगा, हाँ दूसरे प्लैनेट से कोई सवाल कर लेगा क्या कि ये पृथ्वी लोक का नहीं है, ये चंद्रमा का है, या फिर ये चंद्रमा का नहीं है सूर्य लोक का है, ऐसा थोड़ी ना होगा। इनकम टैक्स है, अगर आधा सोर्स पढ़ रहे हो तो आधा सोर्स का ही सवाल करेगा, अगर आप कैपिटल गेन का सवाल दे रहे हैं तो कैपिटल गेन करेगा, अगर सारा हेड मिला जुला के क्वेश्चन कर रहा है तो उसी हेड को मिला जुला के करेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि आपको कुछ ऐसा अनप सनप सवाल कर देगा जो सवाल का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ सर, कुछ तो कनेक्टेड पॉइंट में ही सवाल करेगा, हाँ थोड़ा लैंग्वेज घुमा सकता है ऑब्वियसली, वो आप बोल सकते हो, बट इस बार सवाल कोई बहुत बड़े से बोलते हैं सर क्वेश्चन खूब कठिन चीज। एक्चुअली क्वेश्चन कभी टफ उतना नहीं होता है जितना, अगर आपका प्रिपरेशन में कहीं भी थोड़ा भी कमी रहता है ना, तो आपको वो इजी चीज भी टफ लगने लगता है। इसलिए बार बार बोलूंगा सर, आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको हर चीज इजी लगेगा, अगर आप थोड़ा सा भी लूज करोगे ना तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, आपको वो चीज हर चीज टफ फीलिंग इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। बस ये बात हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि पढ़ा कीजिए, जितना मैं बोलता हूँ आप उसका और थोड़ा सा दुगना दीजिए, ठीक है। अगर मेरे से 100% जा रहा है तो आप 200% दीजिए, अगर मैं 80% दे रहा हूँ तो आप 160% दीजिए, अगर मैं 50% दूंगा तो आप 100% दीजिए, ठीक है। बनता है सर, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिडक्शंस नॉट अलाउबल, तो ये सेक्शन 58 का एरिया था, ये भी मैंने लास्ट वीक कवर, सॉरी कल यस्टरडे कवर किया कि इसमें एक ऐसा लिस्ट है जिसमें आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर किस तरह का खर्चा माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। इसका एक इसको पढ़े थे सर, इसको हम लोग बताया था, तो अभी धीरे धीरे इसका इस्तेमाल भी देखना होगा कि कैसे ये सब चीज़ें यूज होता है। तो यूज सीखने के लिए आपको क्वेश्चन भी समझना होगा। फिर मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया था, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि कैजुअल इनकम की अगर बात है तो फिर 30% ऑफ इनिंग्स वगैरह, ठीक है। लेकिन एक बात है सर, ये बात याद रखिए, कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग्स वगैरह के साथ किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट नहीं होता, किसी भी तरह का डिडक्शंस जो है ATC से ATU का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता सर, डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत ही मतलब अलग, मतलब क्या बोलूं सर, टफ एक सेक्शन है, सेक्शन 68, 69, 69D, जो मेन सेक्शन से थोड़ा हटके है। मेन सेक्शन मतलब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है सर, ये मेनली 56 से 59 का एरिया कवर करता है ना सर। ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो मेनली एरिया है, ये आपका 56 से लेके 59 ऑलमोस्ट, ठीक है, ये एरिया मेनली कवर ये करता है। लेकिन ये जो भी मैं आपको अभी बोला, दैट इज आपका 68, 69, ठीक है, ये डायरेक्टली तो अदर सोर्स के सेक्शन से कनेक्ट नहीं करता, बट अल्टीमेटली इसका जो एरिया ऑफ एरिया जो है सर, मतलब जो आपको टैक्स लग जाता है, तो टैक्स किस कारण से लगा देते हैं कि अगर आप इनकम का प्रूफ नहीं दिखा पाते, ठीक है। ये जो अदर सोर्स का जर्नी है सर, ये मेनली चालू होता है 56 से, ठीक है, जो आप देख सकते हो चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब आपको यहाँ पर ये बताया गया जैसे डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम, ठीक है, ये सब इनकम क्या है, ये सब इनकम आपका अदर सोर्स इनकम है, ठीक है, जो 56 के अंदर आपको मेनली बोला गया है। सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, जो आज बताऊंगा सर आपको, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के बारे में बात करूंगा, डिटेल्स में बात करूंगा, कोई मतलब कोई भी जगह छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। रिसीप्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56, मतलब 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या एप्लीकेबल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आधा रिसीप्ट चार्जेबल अंडर दिस एड, और भी क्या क्या रिसीप्ट जो अदर सोर्स के अंदर चार्ज करके आपसे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, इसका एक लंबा एरिया है 7B, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, क्लॉज 8, क्लॉज 9, ठीक है, क्लॉज 11, इस तरह का है, और डिडक्शन अलाउबल एंड नॉट अलाउबल का आपको पता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अदर सोर्स इज नॉट ए बिग चैप्टर, बट जितना है ट्रिकी है सर, ठीक है, छोटा सा है पर धमाका है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा इनकम के बारे में बात होता है जिसके बारे में इंसान कभी सोचता भी नहीं है, है ना। सैलरी, BP, CG, फिर भी इंसान सोच लेते हैं कि भाई चलो ये BP होगा, CG होगा, हाँ मतलब कैपिटल गेन होगा, बिजनेस प्रोफेशन होगा, सैलरी इनकम होगा, बट ये ऐसा ऐसा इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे इनकम के बारे में कहा गया है जो इनकम इतना कनेक्टेड नहीं हो पाता है हमेशा, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा इनकम का एरिया है जो आपको मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो मेनली इसका जो एरिया है 56 से 59 के अंदर इसका पूरा एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को रखा गया है, मतलब आपका कैपिटल सॉरी अदर सोर्स का। तो धीरे धीरे आपको पकड़ हो जाएगा सर, इतना तो मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे सारा का सारा चीज में आपका एक ग्रीप आ जाएगा। तो चलो अच्छे से पूरा समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था, ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, मैं कल के क्लास का लास्ट कंक्लूजन का पार्ट था कि अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम किसी के पास है, किसी के पास कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का पैसा है, बुलियन मतलब गोल्ड बिस्किट्स वगैरह है, ज्वेलरी है, बट कहाँ से मिला, अगर मतलब दादाजी से मिला है, पापा से मिला है, परदादा से मिला है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, प्रूव होगा, है ना? अगर आपके पास कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो प्रूव करना होगा, आपके पास उसका पेपर्स होना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। तो अगर प्रूव नहीं कर पाते हो तो फिर गवर्नमेंट आपसे ले लेगा सर, ठीक है, रेट करके। तो सेक्शन 68, 69, 69D ये सब चीज़ें डिटेल्स में बोला है, बट इतना जान लो कि अगर अनएक्सप्लेन इनकम है, अनएक्सप्लेन अर्निंग है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन बुलियन है, अनएक्सप्लेन ज्वेलरी है, ठीक है, तो आपको 60% नॉर्मल है, 25% का सरचार्ज एक्स्ट्रा टैक्स एंड 4% का एडुकेशन हेल्थेस लगा के आपको तभी जाके छोड़ेगा। मतलब 100 रुपीज का अगर एसेट होगा, 78% सरकार ले लेगा, 22% पकड़ के बोलेगा जाओ भाई घर जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है वो, मतलब बेसिकली ना वो सांत्वना, हम लोग बंगाली बोलते ना सांत्वना पुरस्कार, हाँ भाई बहुत इनकम किए थे, छुपा के रखे थे, अब जाओ घर जाओ, ठीक है, इट्स लाइक दैट। समझ में आ गया ना सर? ये मैं थोड़ा सा लास्ट वीक का डिस्कस कर दिया, सॉरी बार बार लास्ट वीक बोल रहा हूँ, कल का, ठीक है। तो इनकम चार्जेबल अंडर जो ये जो अदर सोर्स है, इसका जो इनकम है इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल्स में बोलूँ, एनी इनकम प्रॉफिट्स और गेन्स, चाहे आप कोई भी इनकम करो, किसी भी तरह का प्रॉफिट करो, किसी भी तरह का गेन करो, इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी विच कैनॉट बी इंक्लूडेड अंडर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग हेड ऑफ इनकम, मतलब ना तो वो सैलरी का पार्ट बना था, ना तो वो बीपी का पार्ट बना था, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बना था, और ना ही वो कैपिटल गेन का पार्ट बना था। ये चारों हेड में कहीं भी उसको जगह नहीं मिला, वो इनकम यहाँ पर अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। दस द हेड इज द रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम एंड ब्रिंग्स विद इन द स्कोप ऑफ ऑल टैक्सेबल इनकम, चाहे आप इनकम करते हो, प्रॉफिट करते हो, या फिर गेन करते हो ऑफ एन एसएससी विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ एनी अदर हेड, जिसका किसी जगह में जगह नहीं मिला उसको यहाँ पर क्या मिल गया, पनाह मिल गया, ठीक है। देयरफॉर व्हेन एनी इनकम प्रॉफिट और गेन डज नॉट फॉल प्रिसाइजली अंडर एनी अदर ऑफ द स्पेसिफिक हेड्स बट इज चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट वुड बी चार्ज अंडर दिस हेड, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेशन या हिसाब किया जाता है, ठीक है सर। तो ये बेसिक बात है, एकदम बिल्कुल बेसिक बात है, फिर से एक बार बेसिक चर्चा कर लिया। अब इनकम चार्जेबल जो है इस सेक्शन 56 का बात है, इनकम जो चार्जेबल होते हैं अदर सोर्स में, वो बेसिकली सेक्शन 56 से स्टार्ट किया जाता है कि भी 56 के हिसाब से इनकम को चार्ज किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है 55 में तो कैपिटल गेन ही खत्म हुआ, उसके बाद अदर सोर्स को लाया गया एक्ट के अंदर। अब सेक्शन 56 हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, वो थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। The income chargeable only under the head income from other source. The income chargeable only under the head income from other source. ठीक है? Section 56 का। अब उसके अंदर है dividend income, जो मैं आपको कल भी बोला था, लेकिन आज मैं क्या बोला? Details में बोलूँगा। Section 56 subsection 2 clause 1. ठीक है? तो Section 56 subsection 2 clause 1 dividend income के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है सर? Dividend income के बारे में बात करता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्लीज टेल मी सर, कभी कभी आवाज दे दिया करो, समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो, कि रे बोझा जाच्छे कि जाच्छे ना? ओके सर, द टर्म, अब डिविडेंड इनकम तो देखो सर, नॉर्मल सर, ओके सर, थैंक यू। डिविडेंड इनकम आप लोगों को पता है, ऐसे डिविडेंड के बारे में आप लोगों ने सुना है, बहुत बार सुना है, स्पेशली जो लोगों का शेयर मार्केट के साथ कनेक्शन है उनको डिविडेंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और क्योंकि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको एक आइडिया लग ही जाता है कि भाई डिविडेंड मिलता है। और ऐसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस सैटरडे को जो लोग म्यूचुअल फंड का भी क्लास करते हैं उनको डिविडेंड के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो
तो कुछ कंपनीज होते हैं ऐसे हर क्लास में आ जाता है, जैसे कल फाइनेंस के क्लास में भी मैं डिविडेंड के बारे में बात कर रहा था, कल मंगलवार को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में भी मैंने बात कर रहा था डिविडेंड के बारे में, कुछ ऐसा ऑप्शन कॉन्सेप्ट आ रहा था, ठीक है, वो सॉरी शेयर का वैल्यूएशन कर रहे थे, तो वहां पर भी बात हुआ। आज देखो आज फिर से मतलब ये शेयर मार्केट मेरे को ना पीछा नहीं छोड़ता, मैं चाहता नहीं हमेशा शेयर मार्केट का बात करूं, सीरियसली मेरे को कभी कभी तो बहुत मैं बोर हो जाता हूँ शेयर मार्केट बोलते बोलते, बट कई कई बार लेकिन ये छोड़ता नहीं है, पीछा नहीं छोड़ता, क्या करे, हर जगह में कहीं ना कहीं, क्योंकि सर ये इंडिया का इकोनॉमी है ना, कंपनी स्टॉक मार्केट बिजनेस शेयर मार्केट सब जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कनेक्टेड तो रहेगा, हम आप चाहने से कुछ नहीं होता ऑलवेज, नहीं तो कोई कोई सोचता है सर हमेशा शेयर मार्केट खोल के बैठ जाते हो, अरे भाई शेयर मार्केट का मेरा कोई इच्छा नहीं होता, आपको हर क्लास में बताते रहे, लेकिन क्या करे मेरे हाथ में जो है नहीं। आप देख सकते हो सर ये कंपनी डिविडेंड देता है, देख रहे हो सर, जैसे ITC, ठीक है, और भी है बहुत सारे, बस ये कुछ एग्जाम्पल पॉपुलरली आया तो ले लेते हैं। तो ITC डिविडेंड देने में बड़ा नाम है इसका, ठीक है, अच्छा डिविडेंड देते हैं, ONGC भी है, कोल इंडिया भी है, और भी है दो चार कंपनी, अच्छा डिविडेंड देता है, तो मैं भी डिविडेंड के बारे में बात नहीं करूंगा, डिविडेंड देने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है ये सब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, ये सब जगह में डिविडेंड के बारे में डिटेल्स चर्चा होता है कि भाई डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड देने के पीछे क्या रीजन होता है, क्या वजह होता है, ठीक है, कंपनी इन सिंपल अगर देखा जाए कंपनी, ये देखो यहाँ पर ITC के क्या लिखा है, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, कुछ स्टॉक कंपनी ऐसा भी है जो अच्छा डिविडेंड रिटर्न नहीं देता, जैसे अगर मैं रिलायंस को ले लूं, आप देखोगे यहाँ पर ये अच्छा डिविडेंड रिटर्न नहीं देता, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ सर ITC तो रिलायंस तो ज्यादा पॉपुलर है, ऐसे इंडिया का रिचेस्ट पर्सन का कंपनी है, ITC इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर कंपनी, बट नॉट द रिचेस्ट कंपनी में से कोई है नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली टॉप लार्ज कैप कंपनी है, बट देखो रिलायंस ने मतलब डिविडेंड नहीं दिया पर ITC डिविडेंड देता है, इसके पीछे सिंपल रीजन होता है कि ITC के पास ग्रोथ नहीं है, वो डिविडेंड देता है, पहले बहुत पैसा कमाया, रिलायंस के पास ग्रोथ है इसलिए वो ग्रोथ जो होता है ना उसको जो जो कंपनी ग्रोथ करता है ये कॉमन सेंस है, जिसको बिजनेस में ग्रोथ दिखता है वो डिविडेंड नहीं देता, कम देता है, कंपनी कम देता है, डिविडेंड नहीं देता ये नहीं बोलूंगा, कम देता है, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड ये देता नहीं है, डिविडेंड ये देता है, ठीक है, तो अभी खेल ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, खेल ये है कि ये जो डिविडेंड के बारे में आप लोग अकाउंट्स में भी बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हो, ठीक है, और शेयर मार्केट में भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिविडेंड हिट होता है अगर आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट किए हो जो कंपनी आपको डिविडेंड रिटर्न देता है अच्छा खासा, तो ये सब चीजें तो शेयर मार्केट के साथ बहुत कनेक्टेड पॉइंट है, लेकिन सर टैक्स में क्या कर रहा है, टैक्स में ये क्या कर रहा है, सर टैक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स में इनकम टैक्स में डिविडेंड इनकम को सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर क्लॉज 1 के अंदर रखा गया है, और इस क्लॉज 1 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 जो है ये डिविडेंड इनकम के बारे में क्या बताते हैं, ध्यान से सुनो फिर जाके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगा, ठीक है, द टर्म डिविडेंड एज यूज्ड इन द एक्ट हैज ए वाइडर स्कोप, इसका जो स्कोप है थोड़ा बड़ा स्कोप एंड मीनिंग देन अंडर द जनरल लॉ, ठीक है, मतलब नॉर्मल जनरल लॉ में जो डिविडेंड का मतलब होता है, इनकम टैक्स में डिविडेंड का थोड़ा ही बड़ा ही बात है, सर कैसा बड़ा बात है, देखो डिविडेंड के बारे में जो सेक्शन है वो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो 56 के अंदर बोला ही है, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर 1 के अंदर, लेकिन साथ में अगर आप देखोगे इसके बारे में कवर्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके, मतलब ऐसा बात है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी, इस तरह से 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, ठीक है, चलता जाएगा ऐसे ई तक, कब तक, ई तक, ठीक है, तो ये कब तक से चलना है, ई तक चलना है, ए से ई तक का पूरा डिविडेंड के बारे में बोला है। अब देखते हैं सर ये ए से ई तक का डिविडेंड के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, तो मेनली पॉइंट इज कनेक्टेड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 द फॉलोइंग रिसीप्ट्स आर डीम्ड टू बी डिविडेंड, मतलब कुछ ऐसे ऐसे रिसीप्ट के बारे में बात करूंगा, रिसीप्ट मतलब जो SSE इनकम करते हैं, सर ये बात आप मुझे बताओ कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैं आपको बोला कि ITC या कोल इंडिया, ठीक है, और भी है कोल इंडिया, ये भी देखो अच्छा डिविडेंड देता है, ठीक है, ये भी अच्छा डिविडेंड देता है, शेयर प्राइस पे मत जाओ अभी, सिर्फ डिविडेंड पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, तो कोल इंडिया हो ITC हो, अगर आप डिविडेंड अर्न करते हो तो ये आपके लिए रिसीप्ट है, हाँ सर प्लीज टेल मी, अगर आप डिविडेंड कमाते हो तो आपके लिए रिसीप्ट है या नहीं, प्लीज टेल मी, बोलो, यस सर,
थैंक यू। तो अगर आप कंपनी से डिविडेंड कमाते हो, ठीक है, तो क्या ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? अब इसको लेके कुछ सवाल है मन में। अब ये मन का जो सवाल है ना, इसको पहले सुनो, फिर इसका जवाब ढूंढना। पहले तो जान लो क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद इसका जवाब खुद ही दे देना आपको, और क्वेश्चन के थ्रू से समझ बोलना, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, फॉलोइंग रिसीप्ट्स आर डीम्ड टू बी डिविडेंड, मतलब डिविडेंड अगर ना भी हो किस केस में हम उसको डीम्ड कर लेंगे, मतलब मान लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी अभी क्या बोला कि डिविडेंड का जो पैरामीटर है, डिविडेंड का जो स्कोप है, वो इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मल लॉ से थोड़ा अलग ही है। फाइनेंस में जो डिविडेंड है वो तो बेसिकली फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है, इन सिंपल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी प्रॉफिट करता है और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये डिविडेंड का सिंपल मतलब है। डिविडेंड का सिंपल मतलब है लाभ का पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बांटते हैं, ये आम मतलब है डिविडेंड का। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड को थोड़ा बड़ा पैरामीटर में सोचते हैं, तो थोड़ा सा आपको ना पेशेंस के साथ सुनना होगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिविडेंड को किस पैरामीटर में कितना बड़ा कर लेता है और क्यों कर लेता है, इसका भी आपको मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है? तो सुनो, चलो सर, पेशेंस तो आप लोगों के पास है ही, बस थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ दिमाग हल्का लगाओ और थोड़ा दिल लगाओ, ठीक है? तो दिल लगाने की बात मत करो सर, ठीक है? चलो, दिल मत लगाओ, दिमाग ही लगाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सर कंपनी क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्यूमुलेट मतलब जो कंपनी एक्यूमुलेट किया उसके बाद वो प्रॉफिट वो क्या करेगा, शेयर होल्डर के बीच में बांट देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स, इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स। मैं समझाता हूँ, मतलब बात क्या है, कंपनी जो भी अपना एसेट्स वगैरह जो भी होता है उससे जो कंपनी को बेसिकली प्रॉफिट वगैरह करता है उसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या कहता है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या बोला सर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड मतलब कुल मिलाकर, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन आगे आगे दिखाऊंगा आपको। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट करते हैं उसको क्या कर किया जाता है सर, कंपनी अपने प्रॉफिट को एकदम बचपन वाला बात करते हैं, ज्यादा आपको एडवांस अकाउंट्स में भी बात नहीं करेंगे, कंपनी अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता है कि नहीं करता? हाँ सर, आप लोग बचपन से दो चीज बना के आते हो, एक पीएल और एक बैलेंस शीट। कोई बोलेगा सर हम लोग ट्रेडिंग भी बनाते थे, हाँ चलो सर ट्रेडिंग भी बना लिया, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। सर ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में प्रॉफिट कहाँ होता है, पीएल में टू नेट प्रॉफिट होता है ना सर, पीएल में नेट प्रॉफिट होता है, इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हो, बैलेंस शीट में क्या है, थैंक यू सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड और ये एसेट साइड है ना सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल और ये हो गया आपका एसेट। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बच्चे जैसा समझने का कोशिश करो, कैपिटलाइज क्यों बोल दिया, कोई भी बिजनेस चाहे वो अंबानी हो या बम्बानी, बम्बानी मतलब आम अरे गहरे कोई भी, हाँ तो ऐसे कोई भी अरे गहरे होता नहीं है, हाँ सब अंबानी ही बिजनेस करता है ऐसा बात नहीं है, हर कोई, चाहे वो आपके घर के बगल में रामू काका हो या फिर कोई आमू काका हो, कोई भी हो, सभी कोई अपने अपने जगह में बड़े हैं सब, ठीक है? मतलब अरे गहरे का मतलब ना किसी को छोटा नहीं दिखाना होता है, सब अच्छे हैं, सब अपने जगह में महान। तो नेट प्रॉफिट इतना होता है, हम क्या करते हैं, जो पुराना कैपिटल मेरा होता है, से फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास पहले से 1 लाख था, अब बिजनेस यहाँ पर मानो 10,000 का प्रॉफिट किया, तो क्या करोगे आप प्रॉफिट को, ऐड कर दोगे और अपना कैपिटल को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, 1,10,000 हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी जैसे होता है कि अपना कैपिटलाइज कर दिया आपने, बेसिकली अपने अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। कुछ बिजनेस क्या करते हैं, ये प्रॉफिट जैसे ही होता है कैपिटलाइज करने की जगह वो अपने शेयर होल्डर के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, शेयर होल्डर के बीच में वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है, और जैसे ये डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है कंपनी का कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है। तो अभी देखना ये है इनकम टैक्स के हिसाब से कि कंपनी का कौन सा डिविडेंड कैपिटलाइज हो रहा है, कौन सा डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हम तो यहाँ पर बेसिकली डीम डिविडेंड पढ़ रहे हैं, मतलब मान लेंगे कि डिविडेंड है। आप समझ रहे हो बात सर, इस पॉइंट का थोड़ा एक अलग ही बात है, मतलब चाहे वो डिविडेंड हो या ना हो बट हम मान लेंगे कि डिविडेंड है। कौन मानेगा, अरे हम मतलब इनकम टैक्स, अभी हम लोग कौन है, अभी हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स है, ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि डिविडेंड है। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज डिविडेंड।
कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी अपने शेयर होल्डर को कर रहा है, चाहे वो कैपिटलाइज करे या ना करे, वो डिविडेंड है. इफ इट एंटेंस द रिलीज ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट्स. फॉर एग्जांपल, इफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश, अगर आप अपने प्रॉफिट को कैश में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किनके बीच में? शेयर होल्डर के बीच में. इट इज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड बन जाएगा. वेयर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, लेकिन अगर मानो आप कैश में कुछ नहीं दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, काइंड में दे रहे हो, जैसे मानो काइंड में मतलब आप शेयर दे रहे हो, एग्जाम्पल बाई डिलीवरी ऑफ शेयर्स, मतलब आप कंपनी का एक्स्ट्रा शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहे हो कि भाई चलो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, आप लोग और थोड़ा शेयर का मजा लो. ठीक है, इतना दिन आपके पास 10 शेयर था, मैं आपको बोनस दे दिया और 2 शेयर करके पर है, मतलब बेसिकली 1:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास 20 शेयर हो गए. तो ये आपने क्या कर दिया, आप अपने काइंड पे दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन काइंड. ठीक है, किसी के आप शेयर बांट रहे हो, मतलब आपका पोर्शन बढ़ रहा है, बिजनेस का पोर्शन बढ़ रहा है. तो अगर बिजनेस पहले इतना था, अब बिजनेस इतना बढ़ा, तो आप अपना पोर्शन क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. सिंपल बात है, कैपिटल का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. तो ये काइंड पे हो गया, डिलीवरी ऑफ शेयर्स एटसेट्रा, एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर्टिकुलर डेट में उस पर्टिकुलर शेयर का जो वैल्यूएशन होगा वही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. अब टैक्सेबल होता क्या नहीं होता उसके बाद में बात करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली टैक्सेबल होता है ये सब चीजें. ठीक है, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या बताना चाहता है. तो क्या मतलब निकल के आया कि कंपनी, आगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना और क्लैरिटी हो जाएगा. करेंगे सर, आज का क्वेश्चन करना ही करना है. ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस कई बार दिमाग खा लेता है. तो सिंपल बात है, कंपनी अगर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कैश में डिस्ट्रीब्यूट करे तो भी शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा, अगर काइंड में करे तो भी शेयर होल्डर के हाथ में मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड मान लिया जाएगा. तो डिविडेंड मान लिया जाएगा. ठीक है, ऐसा बात है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी क्या कर रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. डिवेंचर क्या होता है नॉर्मली, डिवेंचर क्या होता है, डिविडेंड होता है कि डिवेंचर एक तरह का लोन होता है. कंपनी को चाहिए होता है लोन. आप लोगों को इतना फाइनेंस का नॉलेज तो है सर, आप लोगों को मुझे पता है. तो अगर कंपनी को डिवेंचर कंपनी इशू करता है, ठीक है, एक एक डिवेंचर का स्टैंडर्ड प्राइस मार्केट में 100 करके चलता है. से फॉर एग्जांपल, एक यूनिट का दाम अगर 100 है, कंपनी अगर 1000 यूनिट इशू करता है, तो 1000 × 100 करके आप कंपनी को कितना दोगे, 1,00,000. ठीक है, आप कंपनी को 1,00,000 का लोन देते हो. बेसिकली कंपनी ने डिवेंचर इशू किया और आपने डिवेंचर सब्सक्राइब किया और कंपनी ने आपको बोला कि बदले में आपको 8% इंटरेस्ट के साथ 3 साल बाद आपको डिवेंचर रिडीम करेगा. 3 years later 8% रेट में रिडेम्पशन होगा. ठीक है, तो ये कंपनी इस तरह का, तो आप लोग अकाउंटेंसी में कर करके थक चुके होंगे, बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हो. इनकम टैक्स बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिवेंचर्स, डिवेंचर जैसा ही होता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ होता है सर. जैसे बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही कंपनी भी हमसे डिपॉजिट लेता है. ठीक है, थोड़ा नाम अलग और थोड़ा काम अलग, आगे आगे बात करूंगा आपको कंपनी लॉ के अंदर भी. तो डिवेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देता है सर, बोनस शेयर्स देते हैं. प्रेफरेंस वाले कौन होते हैं सर, प्रेफरेंस वाले डिवेंचर और शेयर्स के बीच का एक खेल है. ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये भी कंपनी लॉ में पढ़ते हैं या फिर आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हो. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं सर, जो शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है. मतलब हाइब्रिड क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस वालों जो होते हैं ना सर, इनको फिक्स रेट में डिविडेंड मिलता है. ये मैं फाइनेंस के क्लास में भी बताता रहता हूँ हमेशा. ठीक है, इवन कंपनी लॉ में भी, क्योंकि इसके अंदर ना एक मिक्सडअप कल्चर है. किसके अंदर, प्रेफरेंस वालों के अंदर. ये एक तरह का लोन होल्डर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि फिक्स रेट लेता है कंपनी. अपना जो भी कैपिटल लोगों से लेता है, कंपनी बाद में बोलता है कि भाई आप मुझे 10% इंटरेस्ट में आप मुझे 1,00,000 दो. ठीक है, तो ये जो 10% है ये फिक्स है. ठीक है, तो कंपनी जिनसे 1,00,000 लेता है और बदले में ये वादा करता है कि आप, मैं आपको 10% वापस दूंगा रिटर्न के तौर पे, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं होगा, ये डिविडेंड के जैसे ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, 10% डिविडेंड होगा, लेकिन दिस इज नॉट, मतलब बेसिकली ये फिक्स परसेंटेज है, बट ये शेयर होल्डिंग है. ठीक है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग. ऐसा शेयर होल्डिंग है प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग. प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग और इक्विटी होल्डिंग में क्या फर्क है, प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग और इक्विटी होल्डिंग में क्या फर्क होता है, बताओ कोई मुझे, बोलो सर. इक्विटी वाले सर रियल ओनर होते हैं, और प्रेफरेंस वाले वो भी होते हैं. वो भी ओनर होते हैं, तो फिर फर्क कितना हो गया,
आज अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करते हो और अगर आप प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हो तो मिलेगा, फिक्स मिलेगा, लेकिन उनको लॉस भी लेना पड़ता है इक्विटी वाला। इक्विटी को लॉस भी लेना पड़ता है, प्रेफरेंस वाले लॉस लेने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी बहुत लॉस में जाता है तो उसमें प्रेफरेंस को भी लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, फर्क क्या है आपको कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट से दिखा देता हूँ, देख लो सर, ध्यान से देखिए सर। हाँ, ये किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल उठा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, मतलब जैसे बुखार होने से सबके लिए मेडिसिन होता है ना, हाँ कैल्पॉल, वैसा ही बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल कंपनीज। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो, कोल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना रेवेन्यू कमाया सर, 93,818 है ना, इतना करोड़ का है सर, ये सब करोड़ में है, आप समझ लो 93,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया। यहाँ से कंपनी मतलब ये कोल इंडिया ने अपना जो भी इसका डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वगैरह है वो सबको लेस किया। ठीक है, ये देखो सर, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको दिख जाएगा, रेवेन्यू से मेटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन सबको हटाया, हटाने के बाद इसको EBITDA मिला। मतलब EBITDA का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिए बात को, अर्निंग बिफोर, प्लीज टेल मी, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, इनकम सॉरी इंटरेस्ट, इनकम नहीं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड और जो भी बोल सकते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, मतलब ये ऐसा अर्निंग है, ये जो अर्निंग है EBITDA, रेवेन्यू से बेसिकली कॉस्ट को हटाया। ठीक है, ये जो भी आपका सेल है, रेवेन्यू मतलब सेल, सेल से सेल वैल्यू से आपका परचेस वैल्यू कॉस्ट वगैरह को हटाओ, आपको एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसको जो भी आपको इनकम, ये इनकम है बट इस इनकम को हम लोग ऐसे बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब अभी भी आपका लोन का इंटरेस्ट भरना बाकी है, गवर्नमेंट को टैक्स देना बाकी है, फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, अगर इंटेंजिबल्स है आपके पास जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, इसका अमोर्टाइजेशन होता है, आपके पास जो गुडविल होता है ना, वो गुडविल का वैल्यू भी धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, कम होता है ना सर, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, हर बिजनेस में कम होगा ऐसा जरूरी नहीं, बट अगर आप अगर आपका गुडविल है या कॉपीराइट है, पेटेंट है, फार्मूला है, एक जमाने में आपका फार्मूला वर्ल्ड क्लास था, बट आज आपका फार्मूला वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो क्या बोलोगे, आपका फार्मूला का वैल्यू गिर गया कि बढ़ गया, प्लीज टेल मी, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल फिक्स एसेट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोई फर्नीचर हो, अगर आपके पास कोई मशीन हो, उसका तो आप डायरेक्ट डिप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप माइनस कर दोगे, लेकिन अगर अमोर्टाइजेशन करना है, मतलब जो इंटेंजिबल्स होते हैं उसके केस में हम लोग अमोर्टाइजेशन करते हैं, बेसिकली इंटेंजिबल्स का ही अमोर्टाइजेशन देखा जाता है, ये नॉर्मल है। मैं ज्यादा अभी अकाउंट्स का चर्चा में नहीं जाना चाहता, अकाउंट्स से फाइनेंस के क्लास में मैम भी बात करते रहते हैं और मैं भी फाइनेंस के क्लास में बात करता रहता हूं, तो आपको समझ में आ गया। तो ये EBITDA वो अर्निंग है जहां से अभी भी आपका इंटरेस्ट बाकी, मतलब लोन, लोन या डिवेंचर होल्डर का जो पैसा है, ठीक है, लोन या डिवेंचर होल्डर का जो पैसा है वो सब देना बाकी है, सिंपल बात है। ठीक है, सरकार का टैक्स भी बाकी, डिप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ, अमोर्टाइजेशन भी माइनस नहीं हुआ। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या देना है, बिजनेस जो भी अर्निंग करेगा सबसे पहले क्या देगा, प्लीज टेल मी, कोई तो बताओ मुझे, जो भी आप अर्न करोगे, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो देने का जरूरत नहीं है, ये सब तो नॉन कैश है, किसी को देना है क्या, ये किसी को देना है क्या, डिप्रिसिएशन किसको भरोगे, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आईफोन पार्टी अगर कोई है तो हाथ खड़ा कर लो, कितने का आईफोन है आपका, बोलो सर, अगर किसी के पास है तो बोल सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, से फॉर एग्जाम्पल आपका आईफोन का दाम 1,00,000 है, आपने 1,00,000 पे आईफोन खरीदा था 1 साल पहले, क्या आज भी आप 1,00,000 में सेम आईफोन बेच पाओगे, अरे बोलो, 1,00,000 में बेच दोगे 1,00,000 में, या कम दाम होगा, डिप्रिसिएट हो जाता है, नेचुरल वेयर एंड टियर के कारण आपका प्रोडक्ट का वैल्यू ऑटोमेटिक मार्केट में गिर जाते हैं, नॉर्मल सेंस में ही है, आप कोई बोलेगा सर कुछ कुछ प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, वो एक्सेप्शनल है, मैं एक्सेप्शनल पॉइंट्स में जाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल कोई भी एसेट ले लो वैल्यू डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, बट हाँ एक्सेप्शनल्स भी है, अब एक्सेप्शनल्स पे बात करेंगे तो अभी उसी पे बात चलेगा। 1,00,000 का फोन का अगर वैल्यू 10,000 में भी कम हो जाए, ठीक है, तो
आप 10% डेप्रिशिएट कर दिए एक साल में। आपका आईफोन है इसलिए मैं थोड़ा कम डेप्रिशिएट किया। दूसरा फोन होता ना, अगर कोई रेडमी वगैरह होता तो उसका डेप्रिसिएशन और ज्यादा कर लेते। हाँ सर, अगर रेडमी वगैरह होता 20,000 में खरीदा आपने, नेक्स्ट ईयर इसका दाम कितना, मेरे हिसाब से तो 7-8,000 होगा। 50% डिप्रिशिएट हो जाता है, 20 का फोन 10,000 में आ जाएगा। सही बोला क्या मैंने या फिर थोड़ा ज्यादा बोल दिया? मतलब मैं अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, तब 10 और मॉडल निकल जाते हैं इसलिए और डिप्रिशिएट हो जाता है। हाँ वही एग्जैक्टली यही रीजन के कारण बोला मैंने कि अगर इतना सारा मॉडल बीच में निकल जाते हैं कि आपका 20 का फोन वो 10 में ही बिकेगा, 10 के नीचे भी आ सकता है, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट। तो ये डेप्रिसिएशन है। तो ये डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जो होता है ये तो नॉन कैश है, इसे किसी को देना नहीं पड़ता, बस आपके पॉकेट से ऑटोमेटिक नहीं, पॉकेट से भी निकलते नहीं है, कहाँ से निकलते भगवान जाने, बट होता है, नेचुरल है ना, ठीक है? ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है, नेचुरल वारंटी है, नाम ये है इसका, ठीक है? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये लोग मिला के बोर्ड बना के, ठीक है, अकाउंटिंग बोर्ड होते हैं, सब मिला के ये सब डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसको रखते हैं कि भाई ये एसेट है तो इतना डिप्रिसिएशन। इवन जो लोग आप लोग बीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर कर चुके हो उनको वहां पर एज पर इनकम टैक्स भी डिप्रिसिएशन का रेट बटा के रखा था, ठीक है? तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो नॉलेज के लिए, ठीक है? अभी और बात नहीं करेंगे इस बारे में। तो ईबीआई टीडीए से आपको पीबीआईटी मिल गया, मतलब पीबीआईटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है? ज्यादा समय नहीं लेंगे इधर, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। PBIT या फिर EBIT, earning before interest and tax, ये same बात है। PB मतलब P for profit, E for earning, जो भी लो, ठीक है? यहां से आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखो ये सबसे पहले इंटरेस्ट भरा, दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये तो जान लो सर, गांठ बांध लो, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देना होगा। जैसे कोल इंडिया ने कितना इंटरेस्ट भरा है सर लोन का, 644 करोड़ का, ठीक है? 644 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है इस साल का 21-22 का, ठीक है? लास्ट ईयर 502 करोड़ का था, मतलब लोन बढ़ा है, सिंपल बात है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा लोन बढ़ना खराब होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत परसेप्शन है। लोन बढ़ने से बिजनेस भी बढ़ता है, क्योंकि लोन मतलब कैपिटल भी है और कैपिटल मतलब अर्निंग भी हो सकता है। ऑलवेज लोन ज्यादा मतलब खराब बात है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको फंडामेंटल एनालिसिस में समझना पड़ता है, ठीक है? लोन ज्यादा रहना, कितना ज्यादा रहना चाहिए, वो सब सीखना पड़ता है सर, उसको बिजनेस को एनालिसिस किया जाता है। तो इंटरेस्ट भगाने के बाद, इंटरेस्ट को भगाने के बाद क्या बच गया? अपने सबसे पहले प्रॉफिट का क्या हिस्सा था, सबसे पहला हकदार कौन है? डिवेंचर वाले। ये जो इंटरेस्ट है ये बैंक वाले, मतलब जिन्होंने आपको लोन दिया, या फिर डिवेंचर वाले, ये सब कौन है? ये सब लोन वाले हैं सर, बोरोअर, ठीक है? सबसे पहले तो आप बोरोअर को दो, उसका हक सबसे पहले, कंपनी का पैसे पे पहला हक आउटसाइडर का है, कंपनी के पैसे पे पहला हक आउटसाइडर्स का है। बोरोवर आउटसाइडर्स होते हैं ना सर, शेयर होल्डर आउटसाइडर नहीं होता। अगर आप कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप आउटसाइडर नहीं, भले ही आपको कोल इंडिया के बोर्ड में जगह नहीं मिला या फिर आप कोल इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते, बस प्रॉफिट के कारण शेयर खरीद दिया, बट यू विल बी ट्रीटेड एज अ शेयर होल्डर, ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी, जैसे कि शुभश्री या बाकी लोग भी बता रहे थे, ठीक है? आप ट्रू ओनर कहलाओगे। तो आप शेयर होल्डर हो मतलब आप कंपनी के बंदा हो, आप बाहर वाले नहीं। बाहर वाले कौन? अगर बैंक ने लोन दिया तो वो बाहर वाले हैं, ठीक है? जो कंपनी को कोई हिस्सेदारी के लिए पैसा नहीं दिया, हिस्सेदारी समझते हो, शेयर होल्डिंग, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, आपको कंपनी का हिस्सेदारी मिला, लेकिन कंपनी ने, बैंक ने लोन दिया, बदले में कोई हिस्सेदारी नहीं दिया, तो पैसे ही लोन दिया, बिजनेस देख के लोन दिया, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन दिया, बट कंपनी के एसेट्स पे, लायबिलिटी पे हक जताने के लिए नहीं, कंपनी के बिजनेस पे हक जताने के लिए नहीं, ठीक है? लेकिन आप जब कंपनी का शेयर परचेस करते हो, आपकी कंपनी के शेयर में हक आता है सर, अधिकार आ जाता है, डिपेंड करता है कितना परसेंटेज है, लेकिन जितना भी है हक तो है, ठीक है? अब पीबीटी तो देखो सर, सबसे पहले बिजनेस ने क्या कर दिया, अपने अर्निंग से इंटरेस्ट दे दिया, इसके बाद बिजनेस का क्या है, पीबीटी से टैक्स दिया, ठीक है? ध्यान से सुनिए सर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच में और डिवेंचर होल्डर के बीच में फर्क समझा रहा हूं सर आप लोगों को, ठीक है? क्लैरिटी हो जाना चाहिए पूरा। हाइब्रिड क्यों बोल दिया मैंने प्रेफरेंस को, ये एक्चुअली फाइनेंस का डिस्कशन है, मैं प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड बोला, क्यों बोला अभी समझ में आ जाएगा। टैक्सेस जैसे ही आपने इंटरेस्ट दे दिया, अब सरकार बोलेगा ठीक है भाई इंटरेस्ट दे दिया, अब मेरा बारी, ठीक है? सरकार टैक्स के लिए हाजिर। कोल इंडिया ने सर 5,000 करोड़ का टैक्स दिया सरकार को, अरे वाह, ऐसे बहुत बड़ा कंपनी है।
मोनोपोली बिजनेस है, 80% से भी ज्यादा मोनोपोली है इसका भारत में। तो टैक्सेस एंड अदर आइटम्स सब कुछ मिला के जो भी टैक्स टाइप का 5,300 करोड़ का इन्होंने टैक्स दिया। इसके बाद इनके पास एक इनकम आया, नेट इनकम, ठीक है। ये नेट इनकम जो है टैक्स वगैरह देने के बाद हुआ, और कितना हुआ, 12,000 करोड़ का, दिखाई दे रहा है सर, ये मैं लेटेस्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, 12,600 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया, बेसिकली प्रॉफिट किया। यही प्रॉफिट कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये कौन सा शेयर होल्डर बनेगा सर, प्रेफरेंस वाले, हाँ सर। अब नेट इनकम के बाद जो भी शेयर मतलब प्रॉफिट है कंपनी के पास, अब ये दोनों के बीच में करेगा, ठीक है। अगर बिजनेस में प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस को भी देगा, अगर बिजनेस में इक्विटी है तो इक्विटी को भी देगा, लेकिन पहले प्रेफरेंस, ठीक है। एक मूवी था ना, मेरे बाप पहले आप, तो यहाँ पर ऐसे बात होगा, मेरे प्रेफरेंस पहले आप, ठीक है, तभी नाम है प्रेफरेंस, ठीक है। मूवी का नाम मुझे याद है, मेरे बाप पहले आप, इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस पहले आप, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड है, प्रेफरेंस पहले आप हो, पर आप फिक्स्ड हो, जितने का कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ था कि भाई 10% तो 10%। कंपनी ज्यादा कमाया, मानो कि आपको लग रहा था कि कंपनी लास्ट ईयर 16,000 कमाया, ठीक है, इस बार कंपनी 16,000 कमाएगा, लेकिन देखो कंपनी 12,000 कमा लिया, ठीक है। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, उसके पहले साल में 17,000 कमाया था, जो भी है, लेकिन आप फिक्स्ड परसेंटेज का डिविडेंड लोगे, जिससे जिसका कॉन्सेप्ट इज फिक्स, जैसे इंटरेस्ट का जो था, इंटरेस्ट भी फिक्स था, वैसा ही प्रेफरेंस भी फिक्स लेगा। लेकिन तो फिर इंटरेस्ट के साथ प्रेफरेंस का फर्क क्या हो गया, फर्क बीच का टैक्स हो गया, फर्क हो गया बीच का टैक्स। प्रेफरेंस जो है सर, ये बिफोर टैक्स आइटम, मतलब प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स है, आपको समझ में आ रहा है, टैक्स देने के बाद, आप समझ रहे हो ना बात, ये इंटरेस्ट जो है ये टैक्स के पहले होता है, इंटरेस्ट इज अ बिफोर टैक्स आइटम, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इज अ आफ्टर टैक्स आइटम। और आफ्टर टैक्स आइटम मतलब ये बेसिकली अपोर्शन होता है, प्रॉफिट को अपोर्शन किया जाता है, पीएल अप्रो बोलते हैं ना हम लोग बचपन में, पार्टनरशिप वगैरह में भी किए होंगे, ठीक है, ये अपोर्शन करते हैं अपने प्रॉफिट को। तो प्रेफरेंस टैक्स के बाद होता है, भले ही फिक्स्ड हो, फिक्स का नेचर इंटरेस्ट जैसा, लेकिन टैक्स के बाद हो रहा है, आफ्टर टैक्स है, इसलिए इक्विटी जैसा, लेकिन इक्विटी से पहले इनका हक होता है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस को देने के बाद कुछ बचता है तो वो इक्विटी अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे आमतौर पर कंपनी प्रेफरेंस इश्यूज उतना करता नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस में मतलब फिक्स्ड एक रिस्क हो जाता है, उससे अच्छा होता है इक्विटी को दो, इक्विटी क्या है ना, लॉस लेने के लिए भी रेडी है। जैसे अभी शेयर मार्केट गिर गया, अब इक्विटी वाला थोड़ी ना चिल्लाएगा हाँ कि भाई क्यों गिर गया, कुछ नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि वो इक्विटी वाले मार्केट अप डाउन के साथ चलना पसंद करता है, लेकिन प्रेफरेंस वाले अप डाउन के साथ चलना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में जितना नंबर ऑफ शेयर होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ईपीएस निकल जाता है। और फिर कंपनी क्या करेगा, जो भी कंपनी के पास रिजर्व रहेगा या जो भी डिविडेंड का है, कंपनी डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला कि ये जो कोल इंडिया जैसे कंपनी डिविडेंड देने में बड़ा माहिर है सर, देख सकते हो पर शेयर डिविडेंड, पर शेयर 16 करके डिविडेंड दे रहा है, बड़ा बढ़िया है सर। नॉर्मल कोई भी कंपनी इतना ज्यादा डिविडेंड बहुत कम देता है, बहुत कम कंपनीज है सर जो डिविडेंड इतना देता है, इसमें से कोल इंडिया एक है जो डिविडेंड देने में बड़ा ही जाना जाता है, ठीक है। कैश रिच कंपनी है सर, बहुत पैसा है इसके पास, लेकिन ग्रोथ अभी उतना है नहीं, ठीक है, इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देके खुश करते हैं। तो डिविडेंड क्यों देता है नहीं देता है, अब इसके बारे में तो मैं और ज्यादा बात बोलूंगा नहीं, लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों मैंने प्रेफरेंस को हाइब्रिड बोल दिया। हाँ सर, प्रेफरेंस को हाइब्रिड इसलिए बोल दिया बिकॉज प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स है, प्रेफरेंस जो है प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स है, और आफ्टर टैक्स के कारण इसके अंदर इक्विटी वाला नेचर है, क्योंकि इक्विटी शेयर भी आफ्टर टैक्स ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर भी फिक्स्ड होता है, लेकिन इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है, प्रेफरेंस बिफोर टैक्स नहीं होता। तो फिर इंटरेस्ट का फिक्स्ड जो कैरेक्टर है वो प्रेफरेंस के अंदर है, इसलिए प्रेफरेंस क्या हो गया, हाइब्रिड। सर बोलो सर, क्लियर है, प्लीज टेल मी। थोड़ा फाइनेंशियल डिस्कशन हो गया सर, बट मुझे लगा जरूरी है, बात उठा तो बोल दिया, कोई गुनाह तो नहीं किया होगा। आगे बढ़े सर टैक्स में, बोलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अब जो जिसके भी मन में सवाल था सबको सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा होता है ये आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इतना सुविधा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कई बार कि कोई भी चीज़ समझाने बोलो डेटा एकदम दो मिनट में अवेलेबल है, जो बोलोगे डेटा मिल जाएगा। डेटा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए कोई कमी नहीं है, बस समझने का इच्छा होना चाहिए और समझाने का इच्छा होना चाहिए, हर चीज़ समझ में आ सकता है ना सर। मेरे को तो सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ तो बहुत आसानी से आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है, तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगता होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, तो कंपनी जब डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिपोजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर होल्डर को, बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, प्रेफरेंस वाले, इक्विटी नहीं बोला यहां पर। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाई ए कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, बाई ए कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक और डिपोजिट सर्टिफिकेट, डिवेंचर स्टॉक इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेयर, मतलब इसके अंदर ना कंपनी डिवेंचर स्टॉक थोड़ा ना क्या हो गया, ये बेसिकली शेयर ही है, ठीक है, ये बेसिकली शेयर है, कन्वर्टिबल डिवेंचर जैसा, कि आज डिवेंचर है कल शेयर हो जाएगा, ठीक है, आज डिवेंचर है आज लोन है कल शेयर भी हो सकता है, इट्स लाइक डिवेंचर स्टॉक। मैं आपको डिवेंचर स्टॉक के बारे में डिटेल्स में एक नोट दे दूंगा, ठीक है, आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इक्विटी का कैरेक्टर है, मतलब शेयर का कैरेक्टर है, इसलिए डिवेंचर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट के साथ हो या फिर इंटरेस्ट के साथ ना हो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स, अगर कंपनी बोनस शेयर भी इशू कर रहा है, मतलब बोनस शेयर मतलब पहले आप 10 शेयर होल्ड करते थे, मतलब बेसिकली पहले एक शेयर होल्ड करते थे, अभी दो शेयर होल्ड करोगे, ठीक है, कंपनी इशू करता है 1:2, 1:4, बहुत सारा कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है, एक के बदले दो, एक के बदले तीन, एक के बदले चार, कंपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट में बोनस शेयर इशू कर सकता है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है जब कंपनी बोनस शेयर भी इशू करेगा प्रेफरेंस वाले को, टू द एक्सटेंट टू द व्हिच द कंपनी पॉसेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, बट एक बात यहाँ पर देखना पड़ेगा, भले ही कंपनी किसी को शेयर दे दे, किसी को डिवेंचर दे दे, किसी को डिपोजिट सर्टिफिकेट दे दे, बट जितना भी दे फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात है कि कंपनी का जो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके अंदर रह के करना पड़ेगा, कंपनी अपने प्रॉफिट से बाहर जाके किसी को कोई भी चीज़ नहीं दे सकता, ठीक है। इसको समझने के लिए आगे आगे एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या खेल है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए सर, क्योंकि और दो तीन प्रोविजन है उसको बता के ही मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच बोनस शेयर्स इज डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इस बोनस शेयर जो भी इशू करेगा कंपनी वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ऐसे देखो, बोनस शेयर क्या डिविडेंड लग रहा था, किसी को अगर बोनस शेयर मिलता है प्रेफरेंस वाले को, क्या ये डिविडेंड है? नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ये नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई के हिसाब से, डीम्ड डिविडेंड के हिसाब से ये बोनस शेयर भी डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। In case of debentures, debenture stock, etc., their value is to be taken in the market rate. If there is no market rate, अगर market rate नहीं मिल रहा है, should be valued according to the accepted principle of valuation. मतलब जिस दाम पे कोई उसको accept किया है, उसी rate को मान लिया जाएगा. Accepted तो होगा ना? अगर किसी को debenture मिल रहा है, company अगर debenture दे रहा है, अगर कोई subscribe कर रहा है, ठीक है? तो जो rate में subscribe कर रहा है या acceptance जो हो रहा है, उसी को valuation कर लेगा. और क्या? लेकिन यहाँ पर एक very important note है sir. Bonus share given to equity shareholder are not treated as dividend. मतलब सर, हम लोग इतना देर से शेयर मार्केट का एग्जांपल ले रहे थे, जैसे मानो कि आप कोल इंडिया में इन्वेस्ट किए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट किए, आप इंडिगो में भी इन्वेस्ट किए, आप आईटीसी में इन्वेस्ट किए, आप भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किए, जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने में रखोगे अपने आप को कंपनी के साथ, कंपनी आपको कुछ दिन बाद बोलेगा कि हम बोनस शेयर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कंपनी करता रहता है सर, ठीक है, आपको कंपनी बोनस शेयर देता है, स्टॉक स्प्लिट करता है, ठीक है। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है, नॉर्मली लोग ज्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी बहुत कम इशू करता है, बहुत कम, थोड़ा बहुत अगर देखने को मिलता है तो प्राइवेट लेवल में देखने को मिलता है, ठीक है, बट स्टॉक मार्केट लेवल में प्रेफरेंस इशू थोड़ा कम ही है सर। अगर प्राइवेट बोर्ड के अंदर करता है वो अलग बात, बट अगर पब्लिक कंपनी है तो इक्विटी ही में ही उसको ज्यादा खुशी मिलता है, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन उतना नहीं है, है ना, ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपनी लॉस में भी जाए इक्विटी वाले कुछ बोल नहीं सकता। सो बोनस शेयर्स गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, मतलब अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई बोनस शेयर मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इतना दिन किसी कंपनी का 100 शेयर होल्डिंग था, अब कंपनी ने बोला कि भाई हम लोग 1:4 के हिसाब से बोनस देंगे,
तो आपको 100 के बदले कितना शेयर हो जाएगा, 400, है ना, 400 शेयर हो जाएगा, या फिर 4:1 भी हो सकता है, 400 होल्ड करते थे और 100 मिल गया, 500 शेयर हो गया, कुछ भी जैसे भी होगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा शेयर आप रिसीव करते हो तो वो एक्स्ट्रा शेयर अगर आप इक्विटी वाले हो तो ये आपके लिए डिविडेंड नहीं है। ठीक है सर, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। बस ये सब थोड़ा सा आज का डिस्कशन जो मैं आपको बोला ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, बहुत ट्रिकी नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये मार्केट का चर्चा है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि डिविडेंड का बात चल रहा है तो मार्केट, कंपनी, बिजनेस, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो, नॉन मार्केट, नॉन स्टॉक मार्केट हो, सब कुछ आपको थोड़ा सा मार्केट बिजनेस के साथ कनेक्टेड होकर सोचना पड़ेगा। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, सर कंपनी लिक्विडेट कब होता है? जब कंपनी बंद हो जाता है ना सर, कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस मतलब कंपनी बंद होने का कगार में आ गया। तो अगर कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो कंपनी क्या करता है, अपने एसेट को शेयर होल्डर के बीच में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन वाइंडिंग अप, ठीक है, बिजनेस बंद हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, टू द एक्सटेंट टू व्हिच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रिब्यूटेबल टू द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, वो तो उतना ही कर सकता है जितना कंपनी का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उसके ऊपर। ठीक है, कंपनी, अच्छा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन। अब देखो कंपनी का जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, मतलब लिक्विडेशन में जाने से पिछले साल में जितना कंपनी ने एक्युमुलेट प्रॉफिट किया था उतना ही मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट हो सकता है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट इज डीम्ड टू बी डिविडेंड इनकम। ठीक है, चाहे वो कैपिटलाइज करो आप या ना करो, पर डिविडेंड इनकम है। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी ने कोई प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लिक्विडेशन के बाद, ऑफ द लिक्विडेशन आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडेशन के बाद अगर कंपनी अपने प्रॉफिट से कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कुछ भी अमाउंट, वो डिविडेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन लिक्विडेशन से पहले अगर कंपनी अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट कंपनी कैपिटलाइज करे या ना करे, वो डिविडेंड है, वो डीम डिविडेंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए बी सी डी ई के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट के बाद कर रहा है, सॉरी प्रॉफिट के बाद नहीं, मेरा कहने का मतलब है लिक्विडेशन के बाद अपने प्रॉफिट से किसी को डिविडेंड दे रहा है लिक्विडेशन डेट के बाद, तो इसको डिविडेंड नहीं मानेंगे, इट इज अ रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। इसको क्या मानेंगे सर, जिन्होंने कंपनी को कैपिटल दिया था उनको रीपे कर रहा, मतलब ऐसा होता है इसका, रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल, रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। समझ में आ रहा है ना सर? बस बिजनेस की बात है सर, बिजनेस की, बिजनेस समझते हो ना, ये गुजराती भाई लोग बोलते हैं बिजनेस, ठीक है, बस लाइक दैट, बिजनेस की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाई ए कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाई ए कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, कंपनी का कैपिटल रिडक्शन होगा, टू द एक्सटेंट टू व्हिच, कितना कितना कैपिटल रिड्यूस होगा, तो कंपनी पॉजेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जितना कंपनी के पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उतने अमाउंट में, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, शैल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड। मैं आपको इसको समझाता हूं आगे, एंड ये हो गया आपका 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई। सर ये इतना दिन क्या चल रहा था, ए बी सी डी बोला, अब ई में आ गए, एडवांस और लोन। सर ये क्या बात है, एडवांस और लोन, मतलब अगर आप किसी को एडवांस करते हो या लोन देते हो, ठीक है, एडवांस करना और लोन करने में थोड़ा फर्क होता है, एडवांस मतलब आज देना था पहले दे दिया, कॉमन सेंस है ना सर, आज देना था पहले ही दे के रखा, या फिर 3 महीने बाद देना है आज दे दिया, हाँ कई बार एडवांस के साथ इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। और लोन का मतलब क्या होता है, आप उसको बोल के दे रहे हो भाई आप मेरे को, मेरे से लोन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एडवांस और लोन बाई ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, क्लोजली हेल्ड मतलब लाइक प्राइवेट कंपनी टाइप, या फिर अगर किसी कंपनी में आपका अच्छा खासा शेयर होल्डिंग हो तो क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर को अगर कोई लोन प्रोवाइड करता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन प्रोवाइड करता है जिस कंपनी में वो खुद ही शेयर होल्डर है, तो एनी पेमेंट बाय ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी नहीं है, बात को समझो। ये जो भी डिटेल्स मैं आपको इतना देर से दिखा रहा हूँ, ये जो भी लाइन लगा के चले जा रहे हैं, ठीक है, ये जो भी लाइन लगा के चले जा रहे हैं, ये सब क्या है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, मतलब ये पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, इसमें पब्लिक का पैसा है, एकदम भरपूर पब्लिक का पैसा है इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक का पैसा सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है,
मतलब प्राइवेट होगा और क्या। अगर पब्लिक का पैसा इंटरेस्टेड नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक का, तो अगर पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्राइवेट हो जाएगा और क्या। तो एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, एनी पेमेंट बाय कंपनी, कंपनी पेमेंट कर रहा है किसको, इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस, किसको दे रहा है, अपनी शेयर होल्डर को जो कंपनी में शेयर होल्ड करता है, एडवांस के तौर पे दे रहा है, लोन के तौर पे दे रहा है, टू एनी शेयर होल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर, जो कंपनी का ओनर है, बेनिफिट लेता है कंपनी का, 10% और मोर ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का टोटल इक्विटी कैपिटल का 10% से ज्यादा या 10% या उससे ज्यादा बेनिफिट वो लेता है, कौन, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है, क्लोजली हेल्ड कंपनी विल बी द डीम्ड टू बी द डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब आप समझ रहे हो, ये इसका एग्जांपल लेंगे अभी, ठीक है, इसका एग्जांपल अभी लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाय द एसेट, जो भी डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करेगा, बेसिकली ये डिविडेंड तो है नहीं, कंपनी लोन दे रहा है, अपने ही शेयर होल्डर को लोन दे रहा है, लेकिन शेयर होल्डर को लोन देने को इनकम टैक्स कहते हैं, डिविडेंड मान लेंगे। कैसा शेयर होल्डर सर, जिसका कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, अगर कंपनी 100% का है तो उसका 10% का शेयर है कंपनी में, अच्छा खासा है ना, 100 में 10 कुछ कम नहीं है। तो जो कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर होल्डर है, अगर कंपनी उसी को एडवांस या लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इनकम टैक्स कहते हैं ये लोन या एडवांस को हम लोग डिविडेंड मान लेंगे और क्या। और डिविडेंड मानने से क्या होता है सर, आधा सोर्स में इनकम बन जाएगी। डिविडेंड मानने से क्या होता है, डिविडेंड मानने से आधा सोर्स में इनकम हो जाएगा और क्या। लेकिन सर अगर इंटरेस्ट हो जाएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। बोलो सर, बोलो सर। বলছি যে ওই যে লোনটা দেবে ওটা তো শেয়ার মানে শেয়ার হোল্ডারটা হয়তো কোম্পানির এমপ্লয়িও হতে পারে, তো এমপ্লয়ি হিসাবে যদি লোন দেয় তো সেও শেয়ার হোল্ডারও, কিন্তু এমপ্লয়ি হিসাবে লোনটা দিলো তাহলে লাগবে থোড়া। কোম্পানি দেখ লেগা अगर आप 10% শেয়ার হোল্ডার হো, ঠিক আছে, अगर आप कंपनी का 10% শেয়ার হোল্ডার তো তো ইনকাম ট্যাক্স পহলে দেখেগা কি ভাই আপ শেয়ার হোল্ডার হো, আপ এমপ্লয়ি হো ঠিক হ্যায়, উসমেন প্রবলেম নেই, লেকিন আপ শেয়ার হোল্ডার ভি তো হো না। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, अगर कंपनी को आप कंपनी से एडवांस या लोन मिला है, ठीक है, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी है आपका, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप अपने प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होगा उतना तक मैक्सिमम आप दे सकते हो, जितना आपका बिजनेस का। माने कंपनी लोन टा हमारे शेयर होल्डर हिसाब से नय, माने एम्प्लॉय हिसाब से जो दे देता है लेटा की करे आजबे। अगर वो एम्प्लॉय के हिसाब से होगा तो फिर वो एम्प्लॉय ट्रीट होगा, तब वो बात तो नहीं कर रहे हैं, ये तो शेयर होल्डर के बीच में कर रहे हैं ना। अगर एम्प्लॉय होगा तो कॉस्ट हो जाएगा ना, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को भी लोन देता है तब तो वो कॉस्ट हो जाएगा। कंपनी टू एम्प्लॉय में अगर जाएगा, ठीक है, तो ये तो कंपनी के लिए एक तरह का अर्निंग का भी सोर्स हो जाता है कि भाई हम इंटरेस्ट लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस है क्या, वो देखना पड़ेगा कि क्या लोन देना कंपनी का बिजनेस है कि नहीं है, ठीक है, तो लोन का इंटरेस्ट जो भी है कंपनी का अर्निंग में ऐड हो जाएगा, कंपनी का अर्निंग में ऐड हो जाएगा लोन के इंटरेस्ट। लेकिन ये डिविडेंड कब माना जाएगा वो आप समझो। एम्प्लॉय के साथ क्या होगा, से फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, अपने एम्प्लॉय में एक्स कंपनी में एक्स लिमिटेड में मानो कि ऋषभ काम करते हैं, ठीक है, एक्स लिमिटेड में ऋषभ काम करते हैं, चलो वेरी गुड। अब ऋषभ कंपनी से लोन ले रहा है, ऋषभ कौन है, एम्प्लॉय है, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका, कंपनी ऋषभ एम्प्लॉय है एक्स लिमिटेड में और एक्स लिमिटेड ऋषभ को लोन दे रहा है, मानो कि ऋषभ को 10 लाख का लोन दिया और बोला ठीक है भाई लोन लो ले लो, बदले में 5% का इंटरेस्ट दे देना, बैंक में जाते तो 7% देना पड़ता, 8% देना पड़ता, कंपनी का बंदा है 5% से दे दो, ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंपनी का इंटरेस्ट अर्निंग हो जाएगा, इसको डिविडेंड नहीं मानेंगे क्योंकि एम्प्लॉय है, ओके ऋषभ, हाँ हाँ सर, है ना, इंटरेस्ट अर्निंग मान लेंगे कंपनी का। अब इंटरेस्ट अर्निंग को भी हम लोग आधा सोर्स में डाल सकते हैं, अगर दूसरा सोर्स में नहीं दिखाएंगे तो उसको भी आधा सोर्स में डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिविडेंड है कि नहीं वो कब माना जाएगा। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर हो और स्पेशली अगर आप काफी बेनिफिट लेते हो कंपनी से, 10% या उससे ज्यादा, और कंपनी से लोन लेते हो आप, और कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है उसके मैक्सिमम उतना तक आपको डिविडेंड दे सकता है, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है, तो प्रॉफिट से ज्यादा कैसे दोगे, तो जितना प्रॉफिट का पार्ट है उतना तक अगर कंपनी आपको देता है तो कंपनी उसको डिविडेंड मान लेगा, डीम्ड डिविडेंड। इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाय द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इट इज नॉट डीम्ड टू बी डिविडेंड। अगर लोन जो है वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को क्रॉस करके निकल जा रहा है तो एक्स्ट्रा जो होगा वो डीम्ड डिविडेंड नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जितना होगा वो कंपनी का इंटरेस्ट वगैरह में आ जाएगा।
ठीक है, डिविडेंड नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट के अंदर है तो उसको डिविडेंड मान लेंगे। ये ऑप्शंस कौन रखा, इनकम टैक्स रखा यहाँ पर। और एक बात देखो सर, डोंट वरी ऋषभ, थोड़ा सा वेट कर जाओ बाबू, अभी एग्जाम्पल ले लेंगे ना तो क्लैरिटी एकदम सुपर डुपर होगा। एडवांस और लोन बाई ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू ए स्पेसिफाइड कंसर्न, अब इतना देर से हम लोग किसी इंसान के इंडिविजुअल पे बात कर रहे थे। ये जो लास्ट पॉइंट था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई में, ये जो लास्ट पॉइंट था ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर का बात कर रहा है, लेकिन अभी शेयर होल्डर नहीं, अभी ये शेयर होल्डर है बट ये कोई इंडिविजुअल नहीं, ये कोई कंसर्न है। कंसर्न मतलब कोई हिंदू अंडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है, कोई एओपी हो सकता है, कोई बीओआई हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी हिंदू अंडिवाइडेड फैमिली का, किसी फार्म का, किसी एओपी का, किसी बीओआई का, किसी कंपनी का, क्या है, कंपनी में शेयर होल्डिंग है। कितना शेयर होल्डिंग, बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ एटलीस्ट 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर इन द मेंबर और पार्टनर एंड विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ द इनकम ऑफ द कंसर्न। टोटल कंपनी का जो इनकम है, या तो आपका देखो इक्विटी शेयर का 10% हो जाएगा, या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि टोटल इनकम में 20% का आपका, मतलब जो टोटल कंसर्न है आपका उसका 20% का शेयर आपका हो। अगर आप एक इंडिविजुअल भी हो, से फॉर एग्जांपल आप एचयूएफ के कौन हो, मेंबर हो, आप फार्म के मेंबर हो, आप एओपी के मेंबर हो, आप बीओआई के मेंबर हो, आप कंपनी के मेंबर हो, आप किसी और कंपनी में आ रहे हो, तो आप एचयूएफ के मेंबर हो सकते हो, ठीक है, लेकिन कितना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 20%, एचयूएफ का 20%, फार्म का 20%, एओपी का 20%, बीवाई का 20%, कंपनी का 20%। अगर आप ऐसे भी कोई इंडिविजुअल हो जो फार्म के बिहाफ में किसी और कंपनी से एडवांस ले रहा है, ठीक है, तो इसको भी डीम डिविडेंड मान लेंगे भाई, सिंपल बात है, सिंपल बात है, ठीक है, इसको भी डीम डिविडेंड मान लेंगे। बस यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखिएगा, एनी पेमेंट बाई सच ए क्लोजली हेल्ड कंपनी on behalf or for the individual benefit of any such shareholder will also be deemed to be dividend, however in both cases ceiling limit of dividend, jitna bhi dividend maan sakte ho wo accumulated profit se zyada nahi ho sakta, theek hai, accumulated profit se zyada nahi ho sakta। ab ye accumulated profit ka kya khel hai aapko main 2 minute mein samjhata hu, lekin jo bhi baat itna der se main kiya kuch exceptional points bhi iske andar hai, theek hai, exceptions kya hai, aise exceptions batane se pehle chalo sir aapse ek question discuss karte hain, क्योंकि आपके मन में खलबली मच रहा होगा। रिटेंड अर्निंग जो है तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, हां बोल सकते हो बिल्कुल, रिटेंड अर्निंग जो भी कंपनी कमाते हैं सिंपल, ठीक है, वही सिंपल, वही रिटेंड अर्निंग वगैरह वही कंपनी का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखता है, या डिविडेंड देने से पहले जो कंपनी अपने पास प्रॉफिट रखता है, जो अलग अलग इनकम होता है ना, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह दे दिया कंपनी का जो भी है प्योर जो नेट इनकम बनता है, इंटरेस्ट वगैरह टैक्स वगैरह देने के बाद जो बचा हुआ है वो कंपनी का रिटर्न अर्निंग, एकदम वेरी गुड सर, ठीक है, इक्विटी के लिए जो है, शेयर होल्डर के लिए जो है, दैट इज। सर ये क्वेश्चन थोड़ा देखो आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए सर, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, प्लीज टेल मी। यस सर। क्या कहते हैं सर, राहुल कौन है, राहुल, राहुल एक रेसिडेंट इंडियन है, राहुल एक रेसिडेंट इंडियन है, 28% होल्ड करता है, कितना 28% होल्ड करता है इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, टू के लोन ऑफ 5 लाख, कितना लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, राहुल रेसिडेंट इंडियन होल्डिंग 28% शेयर इन ए कंपनी, टू के लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द सेम कंपनी, जिस कंपनी में वो 28% शेयर होल्ड करता है उसी कंपनी से वो 5 लाख का लोन लिया, ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन, जिस दिन लोन ग्रांट हुआ द कंपनी हैड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, जिस दिन लोन ग्रांटिंग हुआ उस दिन कंपनी का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हुआ 4 लाख का था, द कंपनी इज एंगेज्ड इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और ये जो कंपनी है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नाउ आपके सामने सवाल है, इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड, क्या ये जो कंपनी ने जो अपने राहुल को जो लोन प्रोवाइड किया क्या इसको डिविडेंड मान के टैक्सेबल किया जा सकता है, इफ द कंपनी इज ए कंपनी, इफ द कंपनी इज ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अगर कंपनी ऐसा कंपनी हो जिसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग हो, आपके सामने दूसरा सवाल है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
दैट इज विच इज नॉट ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है जिसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग नहीं होता है, थोड़ा कॉमन बात है. पब्लिक कंपनी में 50 से लेके मिनिमम 2 से लेके 200 शेयर होल्डर हो सकता है, ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है. उसमें पब्लिक नहीं आ सकता, उसमें वो जो भी प्राइवेट लोग है वो प्राइवेट लोग अपने बीच में शेयर होल्डिंग लेके कंपनी को चलाते हैं. लेकिन जो कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो जाएगा, पब्लिक लिस्टेड हो जाएगा, उसमें पब्लिक का शेयर आ जाएगा, वो और प्राइवेट नहीं रहेगा. जस्ट टेल मी नाउ कि क्या लगता है आप लोगों को, क्या डीम डिविडेंड मानेंगे सिचुएशन वन सिचुएशन टू? बोलो सर. सिचुएशन वन में क्या होगा, सिचुएशन टू में क्या होगा, क्या डीम डिविडेंड मानना चाहिए वन में और सिचुएशन टू में ये प्राइवेट कंपनी है, क्या तब भी डीम डिविडेंड मानना चाहिए? पहले तो मुझे आप लोग ये बता दो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. सर वन एर क्षेत्र तो होबे ना, टू एर क्षेत्र होबे किंतु 5 लाख होबे ना, 4 लाख होबे. थैंक यू सर. चौथा का जवाब मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम बिल्कुल. तो चलो देख लेते हैं इसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए, और अगर आपको लिख के जवाब देना है तो आपको क्या लिखना है प्रोविजन के साथ. ठीक है, देखो भाई एमसीक्यू पैटर्न में तो ठीक है आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आप पुट कर देना, नॉलेज होगा तो पुट कर देना. लेकिन अगर आपको लिखना है जैसे कि सीएमए के केस में, चार्टर्ड के केस में आपको लिखना होगा, तो तब आपको प्रोविजंस को बताते हुए लिखना पड़ेगा. इवन रियल लाइफ में भी जब केसेस बनता है तो आपको लिख के ही बताना पड़ता है. तो सोल्यूशन क्या है इसका, एनी पेमेंट बाई ए कंपनी अदर देन ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऑफ एनी सम, मतलब पहला बात ठीक है, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है of any sum by way of advance, आप किसी को एडवांस करते हो, लोन देते हो इक्विटी शेयर होल्डर को जो आप ही के कंपनी का शेयर होल्डर है, वो भी 10% से ज्यादा. बीइंग ए पर्सन किसको दे रहे हो, जिसका बेनिफिशियल ओनरशिप है कंपनी में, शेयर होल्डिंग 10% से वोटिंग पावर से कम नहीं है, इज डीम्ड टू बी अ डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई. पॉइंट टू बी नोटेड, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई का बात है ये. टू द एक्सटेंट द कंपनी पॉसेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, कितना डिविडेंड दे सकता है, जितना कंपनी के पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है लोन देने के दिन में. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई हाउएवर विल नॉट अप्लाई वेयर द लोन इज गिवन बाय अ कंपनी इन व्हिच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इन सच अ केस द लोन वुड नॉट बी टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड. तो फिर बात क्या हो गया कथा, कथा क्या यही बोला था तू, या तू बोला था कि पहला केस को डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे? ना प्रथमটা হবে না তো স্যার, পাবলিক ইন্টারেস্টেড রয়েছে তো. यस पब्लिक इंटरेस्टेड है, मतलब पब्लिक का शेयर होल्डिंग है. पहला केस में हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा, देखो सर थिन लाइन था, अगर मिस कर गए ना मुश्किल में पड़ जाओगे. पब्लिक जिसमें इंटरेस्टेड होगा, पब्लिक जहां पर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होगा वो डीम डिविडेंड नहीं होगा. ठीक है, तो इस हमारे केस में पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड था तो लोन वुड नॉट बी टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड. तो ये जो लोन है ये डीम डिविडेंड के तौर पर टैक्सेबल नहीं होगा. लेकिन सेकेंड केस में जो बात है, If the loan is taken from a private company, अगर लोन जो है वो प्राइवेट कंपनी से लिया जा रहा है, that is a company in which the public are not substantially interested, ठीक है, which is a private company, which is a, अच्छा और एक क्या बात है, ये manufacturing company है, मतलब manufacturing मतलब इसका लोन देने का कारोबार नहीं है, and not a company where lending of money is a substantial part of the business of the company. अगर ऐसा बात होता तो उसका business हो जाता, तो वो उसका business में दिखते वो भी dividend नहीं बनता. मतलब किसी कंपनी का अगर काम ही है लोगों को लोन देना, ऐसा भी तो बिजनेस होता है ना लोगों का, तो लोन देना लेंडिंग करना अगर किसी का काम है तो फिर इन दैट केस में वो डिविडेंड इनकम नहीं होगा. लेकिन अगर वो लेंडिंग नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई वुड बी अट्रैक्टेड सिंस राहुल होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर इन द कंपनी. तो अगर प्राइवेट कंपनी है जिसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग नहीं है, ऊपर से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लोन देने का कारोबार भी नहीं करता, और कंपनी में राहुल का शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा भी है, तो ये डीम डिविडेंड है. लेकिन बात ये है, द अमाउंट चार्जेबल एज डीम डिविडेंड कैन नॉट बी हाउएवर एक्सीड द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट. कंपनी का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है 4 लाख, लेकिन उसने लोन लिया 5 लाख, तो अमाउंट कितना मानेंगे, डीम डिविडेंड कितना मानेंगे? फोर लाख की 5 लाख? सर डीम डिविडेंड 4 लाख सर. वेरी गुड, यही तो था ने जवाब दिया था. यस ठीक है, समझ में आया सर? बोलो
হ্যাঁ দাদা, ঠিক আছে? তাহলে এই যে 5 লাখ পেলো, তাহলে স্যার বাকি 1 লাখটা কিভাবে ট্রিটমেন্ট হবে? বাকি 1 লাখ ইন্টারেস্ট কে তোর পে জোড় লেগা, ঠিক আছে? ইয়ে কোম্পানি ইয়া ফির ইন্টারেস্ট কে তোর পে জোড়েগা ইয়া ফির ক্যাপিটাল মান লেগা, ঠিক আছে? ক্যাপিটাল মান লেগা, ক্যাপিটাল কম করকে দিখা সকতা হ্যায় ইয়া ইন্টারেস্ট জোড় কে দিখা সকতা হ্যায় কি ভাই উস অ্যামাউন্ট পে ইন্টারেস্ট করকে কোম্পানি কা ইন্টারেস্ট আর্নিং হো জায়েগা, বাট ডিভিডেন্ড ইনকাম তো 4 লাখ হি হোগা। क्लियर है कि नहीं बोल? 1 लाख जो है सर, ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख जो है कंपनी ने जो 5 लाख का लोन उसको दिया, अब ये लोन दिया तो इंटरेस्ट भी तो जरूर ले रहा है कंपनी, तो कंपनी बोल रहा है कि भाई ठीक है मैं डिविडेंड उतना मान लूंगा क्योंकि आप शेयर होल्डर हो, जितना कंपनी की एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है जिस साल आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, लोन ग्रांट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर डेट में अगर 4 लाख का प्रॉफिट है तो कंपनी अगर 4 लाख मतलब उससे ज्यादा दे रहा है तो 4 लाख डिविडेंड मान लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट होगा वो कंपनी इंटरेस्ट के तौर पे अर्न कर लेगा, उसमें क्या है? वो इंटरेस्ट इनकम मान लेंगे कंपनी के, इंटरेस्ट इनकम वो भी आदर्श उसमें आ सकता है बट एज ए इंटरेस्ट आ जाएगा जो भी इनकम कंपनी ने दिया है, या फिर कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल को रिड्यूस करके दिखा सकता है कि भाई ये कंपनी ने 1 लाख दे दिया इसको अपने कैपिटल से, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कम कर सकते हैं, तो जो भी उसका उस टाइम पे जो भी सिचुएशन होगा कर सकता है, लेकिन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा आप डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं मान सकते, ठीक है ना? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आता है सर, ठीक है? अगर आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपके सामने ऐसा ऐसा जवाब आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर देख लेते हैं सर एक्सेप्शन क्या क्या हो सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि कुछ कुछ पेमेंट्स और लोन हैं जिसको फॉलोइंग पेमेंट्स और लोन गिवन वुड नॉट बी डीम्ड एज डिविडेंड, मतलब कंपनी लोन देता है, कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं, एडवांस देते हैं शेयर होल्डर को, ठीक है, बट उसको डीम डिविडेंड नहीं मान सकते, क्या क्या रीजन हो सकता है? इफ द लोन इज ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, मतलब बिजनेस का काम ही है लोन देना, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब क्या, अगर कोई बिजनेस है जिसका लोन देना उसका बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव में से एक है, लोन प्रोवाइड करना बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में से अगर एक है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो तो उसका बिजनेस इनकम हो जाएगा, है ना? एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस, the loan or advance to a shareholder or the to be specified concern is not deemed to be a dividend. जैसे केस में अगर कंपनी, जैसे कि निधि कंपनी ऐसा करता है, हाँ निधि कंपनी के बारे में बोला था ना आपको, निधि कंपनी जो कंपनी लॉ क्लास किए हो करते हो उनको पता जरूर होगा कि कंपनी लॉ क्लास पे हम लोग बात करते हैं निधि कंपनी के बारे में, निधि में मेंबर बनना पड़ता है, साउथ इंडिया में बहुत चलता है, जो भी निधि का मेंबर बनेगा वो निधि से लोन ले सकता है, ठीक है, और बदले में इंटरेस्ट के साथ लोन को वापस कर सकता है, लेकिन मेंबर बनना पड़ता है, तो लोन देना ही ये एक तरह का एमबीएफसी होता है, निधि कंपनी या फिर कोई भी कंपनी अगर अपने स्टाफ को उसका काम ही है लोन देना देना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे, जो भी करेगा बिजनेस इनका मान लेंगे, समझ में आ रहा है सर? अगर उसके बाहर कुछ भी होगा, अगर डीम डिविडेंड इनकम नहीं होगा तो क्या होगा? अगर किसी बिजनेस का काम है लोन देना, लेंडिंग करना अगर उसका काम है तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसका बिजनेस इनकम हो जाएगा, बिजनेस में ट्रीट कर लेंगे, यस और नो? क्लियर हो रहा है ना बात? ये सब बिजनेस वर्ल्ड का बात है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? है दादा, जैसे मानो पेटीएम है सर, पेटीएम लोन प्रोवाइड करता है, ये मेनली पेमेंट ऐप भी है, पेमेंट बैंक भी है ना, 197 कम्युनिकेशन पेमेंट ऐप भी है और पेमेंट मतलब किसी को लगता है कि इसके थ्रू से पेमेंट हो सकता है, यस ये इसका बहुत बड़ा काम है कि पेमेंट सेटलमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत बड़ा इसका टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू से ये पेमेंट सेटलमेंट करता है, पेटीएम जैसा और भी है, फोनपे है, ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ और भी है, मुझे सब नाम अभी याद नहीं आ रहा, गूगल पे है, ठीक है, लेकिन पेटीएम एक फाइनेंस कंपनी भी है, पेटीएम एक बैंक भी है, पेमेंट बैंक भी है कंपनी, इवन पेटीएम लोन भी प्रोवाइड करता है, लोग जानते होंगे शायद कि पेटीएम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, देखता हूँ अगर मुझे कुछ यहाँ दिखता है तो, बिजनेस का एरिया कहीं पर दिख जाता है, कंपेयर विथ एफएसएन ई-कॉमर्स माइका नहीं, ये सब बेकार है, बिजनेस एरिया दिया नहीं यहाँ पर, मुझे दिख नहीं रहा है, कई बार दिखता है सर कि क्या क्या बिजनेस एरिया कवर करता है, ऐसे पेटीएम का ऐप ओपन करने से ही आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो अगर फाइन मतलब लेंडिंग करना है उसका एक काम हो जाएगा तो फिर आप समझ जाते हो कि उसको क्या समझना है क्या करना है।
ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक्सेप्शन में और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वेर अ लोन हैड बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर। जहां पर लोन हैड बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर्स। कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी होते हैं जो कंपनी से कंपनी से बोरो करता है, सॉरी मतलब बेसिकली कंपनी उनसे बोरो करता है, कंपनी मतलब बेसिकली डिवेंचर होल्डर है, लेकिन बदले में शेयर होल्डिंग भी मिल जाता है कि लोन देके एक शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट की, ठीक है, मतलब लोन अगेंस्ट शेयर ऐसा होता है ना सर, लोन अगेंस्ट शेयर, कंपनी ने किसी से लोन लिया बदले में कंपनी उसको कुछ शेयर दे रहा है, वो बाद में एडजस्ट हो सकता है कि अगर कंपनी लोन वापस नहीं कर पाया तो कंपनी को शेयर देना पड़ेगा। समझ रहे हो सर बोरोइंग शेयर होल्डर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड आपसे लोन लिया, मानो 5 लाख का लोन लिया, अब कंपनी आपको ये वापस नहीं कर पाया तो आपको कंपनी क्या करेगा? शेयर दे देगा। और जैसे ही कंपनी आपको शेयर दे देगा, बाद में जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा या जो भी प्रॉफिट बिजनेस करेगा आपको शेयर होल्डिंग से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसका 5 लाख वापस कर देते हो तो आपका शेयर होल्डिंग खत्म, आपका लोन खत्म है, तो फिर शेयर होल्डिंग और नहीं मिलेगा, तो इसको बोरोइंग शेयर होल्डर बोलेंगे, इसको बोरोइंग शेयर होल्डर बोलेंगे। मतलब लोन तो देंगे बट अगेंस्ट शेयर, मतलब शेयर क्या है, मॉर्गेज कर दिया, ठीक है, अगर वापस कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो शेयर मिलेगा। समझ रहे हैं सर? जैसे अगर आपको पता है सर, अगर आपको शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो शेयर को गिरवी रख के आपको लोन मिल सकता है, इन आई होप आप लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अच्छा अच्छा कंपनी का स्टॉक है, ठीक है, जैसे मानो कि अगर आपके पास मारुति का स्टॉक है, ठीक है, तभी बहुत पहले खरीदे थे, ठीक है, 10 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने कभी स्ट्रांग शेयर थकले होता कोलैटरल ही सब यूज करा, यस, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस का स्टॉक है और उसका वैल्यूएशन भी आपके शेयर के अंदर दिख रहा है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो ऐसा शेयर होल्डिंग देख के कंपनी आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बदले में क्या है कि अगर कंपनी का, अगर बैंक आपको लोन मतलब अगर आप बैंक का लोन वापस नहीं करते हो तो आपका शेयर में कंपनी का मतलब बैंक का हक आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, बोरोइंग अगेंस्ट शेयर्स, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो क्या खेल हो गया यहाँ पर, वेयर लोन हैड बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड सब्सिक्वेंटली कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर्स एंड द डिविडेंड्स ऑफ पेड इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरो, ठीक है, प्रीवियस बोरोइंग के साथ कंपनी अपना डिविडेंड को सेट ऑफ करता है, द एडजस्टमेंट अमाउंट विल नॉट बी अगेन ट्रीटेड एज डिविडेंड, मतलब जो एडजस्टमेंट पुराने लोन के साथ अगर कुछ एडजस्टमेंट चल रहा है तो उस एडजस्टमेंट को डिविडेंड की तरह ट्रीटमेंट नहीं करेगा, सिंपल बात है। अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शन स्टेटेड अबव फॉलोइंग इज आल्सो ट्रू, ठीक है, ये और जरूरी नहीं है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में कुछ बातें सर देख लो, आई होप कि डीम डिविडेंड के बारे में मुझे और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है इन पॉइंट ए बी सी डी ई, ठीक है, हम लोग जो भी इतना देर से पढ़ रहे हैं ए बी डी ई, ठीक है, अबव इंक्लूड ऑल प्रॉफिट द कंपनी अप टू डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी के डिविडेंड पे करने से पहले तक जो भी प्रॉफिट है वो एक्युमुलेटेड है। लेकिन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इन पॉइंट सी इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब पॉइंट सी इन द सेंस ये वाला पॉइंट, इसके बारे में बात हो रहा है सर, सेक्शन 22 सबसेक्शन 22, ये डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ये ए बी सी डी का मतलब समझ रहे हो ना, 2 सबसेक्शन 22 ए बी सी डी ई, उसका सी पॉइंट जो है, ए बी डी ई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी डी ई तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब सिमिलर बात करता है, मतलब कंपनी अपना डिविडेंड देने से पहले तक का जो प्रॉफिट है वही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इन पॉइंट ए, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ए क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज डी क्लॉज ई इंक्लूड ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Accumulated profit in point C, ये point C में क्या हो जाता है, company liquidated हो जाता है, include all profit of the company up to the date of liquidation, ठीक है, whether capitalized or not, मतलब जब company जिस दिन बंद हो रहा है liquidated processing में जा रहा है officially, उससे पहले तक company का जो profit है वो profit, हाँ, but where liquidation is consequent to the compulsory, अगर liquidation हो जाएगा compulsory acquisitions of an undertaking, अगर कोई और company उसको ले रहा है by the government or by any corporation owned or controlled by the government, the accumulated profit do not include any profit, the accumulated profit jo bhi hoga usme koi profit nahi aayega of the company prior to the 3 successive previous year, pichla 3 matlab agla 3 saal ka successive matlab agla 3 saal ka koi bhi profit uspe count nahi hoga, immediately preceding the previous year in which such acquisition took place, theek hai, ab samajh rahe ho sir, jis saal acquisitions ho raha hai, theek hai,
उसका अगला 3 सक्सेसिव ईयर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है सर, या थोड़ा और क्लियर करके बताए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पॉइंट सी का खेल क्या है? सी में लिक्विडेट हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी में बिजनेस क्या हो रहा था, बिजनेस लिक्विडेट हो रहा था। लिक्विडेट कब होता है बिजनेस? बिजनेस लिक्विडेट कब होता है? जब बिजनेस बंद करके जाना पड़ता है, वाइंड अप हो रहा है, तो बिजनेस बंद करके जा रहा है। ऐसा हालत में बिजनेस का जो प्रॉफिट काउंट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट काउंट होगा, वो नॉर्मली लिक्विडेट डेट तक होगा, डिविडेंड डेट तक नहीं, लिक्विडेशन डेट तक होगा। लेकिन साथ में और क्या बोल रहे हैं, बट वेयर, जहां पर लिक्विडेशन, जहां लिक्विडेशन इज कंसिक्वेंट टू द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। लिक्विडेशन के बाद क्या हो रहा है, वो एक कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है कोई और कंपनी, जैसे कि बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा अगर हो रहा है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रायर टू द 3 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच सच एक्विजिशन टुक प्लेस। इन द केस ऑफ एन एमलगमेटेड कंपनी, मतलब ये दोनों मिलकर जो कंपनी बन जाएगा, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी ऑन द डेट ऑफ एमलगमेशन, मतलब जिस दिन ये लोग एमलगमेट हो रहा है, मतलब जिस दिन इस दोनों कंपनी का शादी हो रहा है, शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट और एज द केस में बी ऑफ द एमलगमेटेड कंपनी। तो क्या बन गया सर, एमलगमेटेड कंपनी मतलब जब दो कंपनी बन जाएगा, तो इन केस ऑफ एन एमलगमेटेड कंपनी द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट ऑफ द एमलगमेटिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी जोड़ रहा है ऑन द डेट ऑफ एमलगमेशन, जिस दिन दोनों जोड़ रहा है, शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को जोड़ देंगे, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हो या फिर लॉस हो या ना हो, एज द केस में बी ऑफ द एमलगमेटेड कंपनी, मतलब दोनों कंपनी जोड़ के जो हालत बन रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट रहता है तो वो जोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। इसका ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो आगे आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पॉइंट सी क्लैरिटी हो जाएगा। रुक जाओ सर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अच्छा क्लैरिफिकेशन एक आया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर, ठीक है। ये सर्कुलर में आया था, आप एक बार जरूर देख सकते हो ये सर्कुलर क्या आया था, ठीक है। बता दे क्या सीबीडीटी का, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बस एक बार सर्कुलर देख सकते हो आप, जो मैं ऑलरेडी समझा दिया आपको। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रेड एडवांस और नॉट टू बी ट्रेडर्स डीम डिविडेंड। अगर कोई ट्रेड एडवांस देता है, मतलब बिजनेस के लिए अगर कोई एडवांस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो डीम डिविडेंड नहीं हो सकता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर जो एडवांस और लोन का बात है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि एडवांस और लोन डिविडेंड हो जाता है, बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई प्रोवाइड करता है डिविडेंड इंक्लूड एनी पेमेंट बाई ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और एनी सम बाई वे ऑफ एडवांस और लोन टू ए शेयर होल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर और टू एनी कंसर्न इन विच अ शेयर होल्डर इज ए मेंबर और ए पार्टनर एंड विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और एनी पेमेंट बाई एनी सच कंपनी ऑन बिहाफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी सच शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी इन आइदर केस पॉसेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। कहने का मतलब है सर, बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझ लो कि अगर कोई कंपनी किसी को कोई एडवांस प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड एडवांस के तौर पे, बिजनेस करने के एडवांस, एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे सकता है बिजनेस करने के तौर पे एडवांस दे सकता है, तो बिजनेस के लिए अगर कोई किसी को एडवांस दे रहा है तो उसको लोन या एडवांस नहीं, मतलब उसको डिविडेंड नहीं माना जाता। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑब्जर्व दैट सम कोर्ट्स इन द रिसेंट पास्ट हैव हेल्ड दैट ट्रेड एडवांस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, ट्रेड मतलब बिजनेस, लेन देन के लिए एडवांस देना वे कमर्शियल ट्रांजेक्शन का पार्ट है, वुड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज एंड सच व्यूज हैव अटेंड फाइनलिटी। इन व्यू ऑफ द अबव सीबीडीटी हैज वाइड दिस सर्कुलर clarified that it is a settled position that trade advances which are in the nature of commercial transactions would not fall within the ambit of what advance, even trade advance ko to advance bhi nahi mana jata in section 2 subsection 22 clause and therefore the same would not be treated as deemed dividend. So trade advance is not advance and so trade advance is also not dividend in case of section 2 subsection 22 clause. Bas ek baat dekhna padega ki bhai wo commercial transactions hai ya nahi, एडवांस जो है वो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, मतलब ट्रेड एडवांस मतलब क्या, बिजनेस करने का एडवांस, ठीक है। अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी को दे रहा है लेकिन जिसका शेयर होल्डिंग में 10% या उससे ज्यादा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, उनके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ए कंपनी बी कंपनी को ट्रेड एडवांस कर रहा है, या ए कंपनी का कोई शेयर होल्डर बी कंपनी में ट्रेड एडवांस कर रहा है, तो ये जो ट्रेड एडवांस है ये ट्रेड एडवांस कॉमर्शियल कैटेगरी में आता है और ये डिविडेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है सर।
आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बस ये लास्ट वाला जो सेक्शन सी का पॉइंट था, ठीक है, ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में ए बी डी तो क्लियर है, बट सी का जो खेल है वो क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, क्योंकि वो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉफिट ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे समझाएंगे तो मुश्किल में आ जाएगा, तो क्वेश्चन कराते हुए आपको सब बात समझाऊंगा। सर क्या आप लोगों को स्क्रीन में कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सबको दिख रहा है रे? बोलो। है दादा। ओके सर। सर देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो आज आपको आदर सोर्स का एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि आदर सोर्स का क्या खेल खेला जाता है, ठीक है। एक आइडिया लेके आज घर जाओ, फिर और कुछ पोर्शन से अगला दो क्लास में समझा देंगे, ठीक है। तो क्या मतलब निकलता है आदर सोर्स का? देखो मिस्टर ए डीलर इन शेयर्स। मिस्टर ए कौन है सर? शेयर का डीलिंग करता है। सर शेयर डीलिंग जानते हो, जो लोग बेसिकली ब्रोकर वगैरह होता है ना, जो लोग ब्रोकर ब्रोकरी करता है, ब्रोकरेज फार्म चलाते हैं, ये लोग बेसिकली शेयर में डील करता है ना, किसी को शेयर बेचना खरीदना यही तो काम होता है इनका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आर्बिट्रेज का भी काम होता है, शेयर्स का डीलिंग करता है। मिस्टर ए डीलर इन शेयर्स रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी। तो अपने दोस्त से कुछ चीजें रिसीव किया, ध्यान से सुनिए सर। हाँ मिस्टर ए जो शेयर का डीलर है, मिस्टर ए जो शेयर का डीलर है, अपने फ्रेंड से कुछ रिसीव किया प्रीवियस ईयर 21-22 में। सर क्या रिसीव किया? कैश गिफ्ट रिसीव किया 75,000 का ऑन हिज एनिवर्सरी। अपने शादी का साल गिरा था, उसमें 75,000 रिसीव कर लिया 15 अप्रैल 2021 को। बहुत बढ़िया सर। बुलियन गोल्ड का बिस्किट्स होते हैं नॉर्मली बुलियन, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर का भी हो सकता है, नॉर्मली गोल्ड बिस्किट्स को बुलियन बोला जाता है। तो बुलियन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हिच वाज 60,000, बुलियन का फेयर वैल्यू 60,000 है ऑन हिज बर्थडे 19 जून 2021 का। गिफ्ट मिला प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, फरीदाबाद में जमीन भी दिया, ध्यान से सुनना, प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद विदाउट कंसिडरेशन सब मिल रहा है इसको। 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को ये जो लैंड उसको दोस्त से मिला, अपने दोस्त से, ठीक है, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी तो देना पड़ेगा रे बाबा। जिसका स्टैम्प ड्यूटी मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो सरकार के घर में जमा होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में 6-7% चलता है, मैं आपको दिखाया था अगले पिछले क्लासेस में, बीपी के क्लास में, सीजी के क्लासेस में स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बहुत बात किया, तो और फिर से नहीं करना चाहता अभी। हाँ तो प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख ऑन दैट डेट, मिस्टर बी हैड परचेज द लैंड, मिस्टर बी जो है इसने ये जमीन खरीदा था 2009 को। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी, मिस्टर ए मिस्टर सी से कुछ परचेज कर रहा है, बी नहीं है यहाँ पर, अभी सी आ गया। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर, सी भी शेयर का डील करता है, 1,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का 1,000 शेयर उनसे खरीदा 400 करके इच 19 जून 2021 को, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हिच, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 600 इच ऑन दैट डेट। ध्यान से सुनिए सर, मिस्टर ए ने मिस्टर सी से जो उसका दोस्त है लेकिन वो शेयर का डील करता है उनसे 1,000 शेयर्स ले लिया एक्स लिमिटेड का 400 करके 19 जून 2021 को, लेकिन जिसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट 600 करके। मिस्टर ए सोल्ड दी शेयर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस 23 जून 2021 को। मिस्टर ए ने ये शेयर्स को कब खरीदा? 19 जून को खरीदा और 23 जून को बेच दिया, ठीक है, मिस्टर ए इसको 23 जून को बेच दिया। मिस्टर ए भी शेयर का डील करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब शेयर का बेचना खरीदना इसका काम है, तो शेयर बेचा, शेयर खरीदा और सेल कर दिया। फर्दर ऑन 1 नवंबर 2021 और क्या क्या हुआ? ऑन 1 नवंबर 2021 मिस्टर ए टू पोजिशन, मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया। प्रॉपर्टी क्या है? ऑफिस बिल्डिंग बुक बाय हिम 2 इयर्स बैक, 2 साल पहले उसको बुक किया था 20 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1 नवंबर 2021 वाज 32 लाख।
फर्स्ट नवंबर को उसका वैल्यू हो गया सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया उसका 32 लाख, एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज 23 लाख, जिस दिन बुक किया था उस दिन था 23 लाख. ही हैड पेड 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक, इस प्रॉपर्टी के लिए उसने 1 लाख का चेक दिया था एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग. आपके सामने सवाल है, ऑन फर्स्ट मंथ 2022 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर 7 लाख. फरीदाबाद का जो जमीन दोस्त से मिला था 7 लाख में बेच दिया. कंप्यूट करके पूछने के लिए आपको बोल रहा है, मिस्टर ए का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है और कैपिटल गेन भी है, ये तो समझ में आ ही रहा है. बताओ सर 22-23 में अदर सोर्स इनकम कितना किया और कैपिटल गेन इतना कितना किया. एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हो गया ना सर, वास्तव में बिजनेस एक मतलब ऐसा होता है एकदम बिल्कुल. तो क्या है, क्या करोगे, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो. बहुत सारा ट्रांजेक्शन है ना सर, चिंता में पड़ गए होंगे आप लोग. बोलो सर मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड तो किए होंगे आप लोग, हाँ या ना, कुछ तो बोलो. ओके सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो, और क्या, यूं ही साथ चलते चलते पहुंच जाएंगे जो पता करना है. पता नहीं सर अभी कौन सा आंसर मिलेगा, एक सेकंड. चलो कॉपी पेन रेडी कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके छुट्टी. इलस्ट्रेशन टू बेसिकली क्या कंप्यूट करना है, अदर सोर्स का इनकम कंप्यूट करना है और कैपिटल गेन का. तो कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज ऑन 31st, एज ऑन 30 ईयर एंडिंग देंगे जरूरत नहीं है, एज ऑन असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 फॉर मिस्टर कौन, किसका 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 करेंगे सर, मिस्टर ए. थैंक यू सर. ठीक है, मिस्टर ए का कैलकुलेशन करना है. मैं कुछ प्रोविजन अभी भी आप लोगों को बताए नहीं इसमें जो बात है, बट डोंट वरी, प्रोविजन धीरे धीरे पता चल जाएगा. एक काम कीजिए सर, एक पर्टिकुलर बनाइए, और एक अमाउंट का कॉलम बना लीजिए, जल्दी हो जाएगा. अच्छा प्लीज टेल मी, कैश गिफ्ट की क्या केस है. कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी 15 अप्रैल 2021, क्या लगता है क्या होगा. फुल्ली टैक्स नहीं, क्यों, रीजन बता सर. 50,000 ऊपर होएगा छे. थैंक यू सर. ठीक है, 75,000 का 75,000 का उन्होंने क्या कैश गिफ्ट लिया है, लेकिन 50,000 तक अगर कैश गिफ्ट है तो वो टैक्सेबिलिटी में नहीं आता. ठीक है, ये कहाँ लिखा है सर, ये अदर सोर्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ. ठीक है, सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का पार्ट है सर. ठीक है, मनी विदाउट कंसिडरेशन द होल अमाउंट इफ द सेम एक्सीड्स 50,000, पॉइंट टू बी नोटेड सर. हाँ, अगर आप पैसा लेते हो किसी से भी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ नहीं देते, तो क्या हो गया, गिफ्ट हो गया. अगर 50,000 से ज्यादा किसी से भी कुछ लोगे, पूरा अमाउंट टैक्सेबल. ठीक है, किसी से भी लो सर, रिलेटिव का कुछ एक्सेप्शनल है बताएंगे आगे आगे. सर बाबा दिले उताई होगे, माँ दिले उताई होगे, तो ऐसा सोच रहे हो ना कि पापा देने से क्या होगा, माँ देने से क्या होगा, हस्बैंड वाइफ को देने से क्या होगा. डोंट वरी, रिलेटिव का केस बताएंगे. तो कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, सिंस इट एक्सीड्स कितना क्रॉस कर गया सर, 50,000, तो पूरा का पूरा 75,000 टैक्सेबल कर देंगे. बढ़िया है, क्लियर है ना सर बात. सर बुलियन का क्या करे, बोलो, बुलियन का क्या करे,
बोलो सर, बुलियन का क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बुलियन का फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 बता रहे सर? सर इट ऑफ पूरा टैक्सेबल, टैक्सेबल सर, थोड़ा सेंस लगा लो सर। मूवेबल प्रॉपर्टी, बुलियन मूवेबल है ना, ऐसा देखने में उतरे बाबा बुलियन, देखा कि नहीं आप लोग कभी? सर जरूरी है कि सबके घर में बुलियन होगा? नहीं सर, मैंने भी कभी दुकान में देखा है, घर पे तो मैं भी नहीं देखा। बुलियन 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 इट्स लुक लाइक दिस, ऐसा होता है। बिस्किट्स बोलते हैं, मेरा कुछ रिलेटिव्स है जिनका गोल्ड का कारोबार है सर, उनके पास देखा, ठीक है, जो बेसिकली दे आर गोल्ड डीलर, ठीक है, तो उनके पास देखा। बहुत सारा है मेरे फैमिली रिलेशन में, तो बचपन में थोड़ा ये देखा उनके पास, ठीक है। तो अगर आप किसी को गोल्ड बुलियन भी देते हो ना, तो विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो, 50,000 तक दोगे तो ठीक है, लेकिन 50,000 तक अगर ज़्यादा होगा, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, तो पुट कर दो और क्या। पॉइंट टू, क्वेश्चन जितना कठिन लग रहा था उतना कठिन नहीं है सर, बस थोड़ा प्रोविजंस का खेल है, जानना पड़ेगा। सिंस सर अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 আছে তো অপারেটর নাম্বার 1 স্যার পড়ে কি লিখেছো 10 10 এক্স 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 मतलब 10 ना, एक्स मतलब 10 ना रे बाबू। अरे सिंस बुलियन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में बुलियन आता है, बिल्कुल आता है। देयरफॉर व्हेन बुलियन is received, without consideration, boolean is received without consideration, the same is taxable, since the aggregate fair market value exceeds rupees 50,000. तो लगा दो सर पूरा का पूरा 50,000, मतलब बेसिकली 60,000 है ना। पॉइंट नंबर थ्री प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, क्या करें इसका? सर ये लैंड है, इमूवेबल है कि मूवेबल है? इमूवेबल है। सर इमूवेबल का दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है विदाउट कंसिडरेशन, एक होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। पहला बात है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन का बात है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स 50,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो जितना है पूरा आ जाएगा, अगर इनएडिक्वेट है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ द 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, दो कॉन्सेप्ट है। अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, मतलब सरकार के घर में जितना उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा, और डिफरेंस अगर इनएडिक्वेट है तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, जितना कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हो, इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ 50,000, अगर उसका डिफरेंस भी 50,000 क्रॉस कर रहा है और 10% ऑफ कंसिडरेशन में से जो हायर होगा, डिफरेंस या तो 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में से जो हायर होगा, तो हमारे केस में क्या लग रहा है बोलो? फरीदाबाद वाला प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं सर,
ফরিদাবাদ वाला প্রপার্টি স্যার পুরো 5 লাখই হবে क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है कि विद कंसिडरेशन है मतलब इनएडिक्वेट है विदाउट सर विदाउट प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1st जनवरी 2021 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू व्हिच इज 5 लाख ऑन दैट डेट तो 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा 5 लाख टैक्सेबल इनकम थैंक यू ओके तो चलो लिख देते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन याद रखिएगा सर हाँ बहुत वाइटल पॉइंट हो गया एक होता है विदाउट एक होता है इनएडिक्वेट हाँ इनएडिक्वेट मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है ठीक है तो ट्रीटमेंट अलग है विदाउट कंसिडरेशन है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 5 लाख पूरा आ जाएगा वेरी गुड सर वेरी गुड आगे बात को बढ़ाएं बढ़ते चलो बढ़ती का नाम जिंदगी सर पॉइंट नंबर 4 सर अब आ गया पिक्चर में कोई और हाँ अब पिक्चर में कोई और आ गया कौन आ गया सर पिक्चर में मिस्टर ए के साथ मिस्टर सी आ गया मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर्स 1000 शेयर खरीद रहा है सर 400 करके जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 600 और मिस्टर ये शेयर को सोल्ड भी कर रहा है मार्केट में 23 जून को तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें क्या करेंगे इसको बोलो सर क्या करना चाहिए सर होवे ना तो किछु बिजनेस तो सर तोता का कहना है कि ये बिजनेस है तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं आना चाहिए तो ये किस तरह का प्रॉपर्टी है इसका कोई कॉन्सेप्ट आएगा क्या प्लीज बोलो एग्जेम्पशंस पे देखना पड़ेगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 10 में एग्जेम्पशंस कैटेगरी में देखना पड़ेगा आपको ये लोग अच्छा इससे पहले तो मैं हम लोगों ने बोल चुका कि ये बिजनेस कर रहा है ना फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो अगर आप कोई भी चीज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो ठीक है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपका थोड़ी ना अदर सोर्स का इनकम होगा वो तो बीपी में चला जाएगा है ना अगर आप बिजनेस में जो भी कर रहे हो वो तो बिजनेस का पार्ट है तो इसमें लिखना क्या है वो आप लोग अच्छे से लिख लो सर लिखते लिखते समझ में आ जाएगा सर डिफरेंस कितना है फेयर मार्केट वैल्यू के साथ 600 करके 1000 और 400 करके 1000 2 लाख तो लिखो सर डिफरेंस बिटवीन बेसिकली जैसे लिखो डिफरेंस ऑफ 2 लाख डिफरेंस ऑफ 2 लाख इन दी value of shares of X limited जो X limited का sale करके मिला purchase from C C is also a dealer ना purchase from a C a dealer in shares or Mr. AB shares in dealer dealer in shares a dealer in shares is not taxable as it represents the stock in trade point to be noted ye stock in trade hai sir ye stock in trade hai ye dhanda hai inka to haath mat lagana aadha source mein to bilkul nahi aayega theek hai
ये अगर कैलकुलेशन होगा तो बीपी में जाएगा, आदर्श उसमें कोई काम इसका है नहीं, ठीक है। तो ये स्टॉक इन ट्रेड है ऑफ मिस्टर ए। सिंस मिस्टर ए इज डीलर इन शेयर, and it has been mentioned that the shares were subsequently sold in the course of, क्या लिखा है, कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के कारण ही वो शेयर को सेल किया, ठीक है। तो क्योंकि वो कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल किया, ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल किया, इसका मतलब है कि रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड। तो नेचर पकड़ना पड़ेगा आपको, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के लिए भी हम लोग तो कैलकुलेशन ए के लिए ही कर रहे हैं, और मिस्टर सी का भी जो है वो भी उसका स्टॉक इन ट्रेड ही है, तो ये नहीं होगा। पांच नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं, और बताओ सर आप, तो ये वाला खेल क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये पूरा एरिया क्लियर हो गया होगा, शेयर का खेल। फर्स्ट नंबर में 2021 को मिस्टर ए टू पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ा सा समझ रहे, बोलो, ठीक है, ये थोड़ा समझ के बताओ। फर्स्ट नवंबर 2021 को मिस्टर ए ने अपना प्रॉपर्टी लिया था, एक पोजीशन लिया था ऑफिस बिल्डिंग का, बुक बाय हिम 2 इयर्स बैक 20 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फर्स्ट नवंबर 2021 को है 32 लाख का, एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज 23 लाख। ही हैड पेड ₹1 लाख बाय अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। फर्स्ट मार्च 2022 को, अच्छा लैंड के बारे में बाद में आते हैं फरीदाबाद, लेकिन पहले ये ऑफिस बिल्डिंग का क्या करिए मुझे बताओ। ऑफिस बिल्डिंग का क्या करें, क्या करें या ना करें, ये कैसे मुश्किल हाय, कोई तो बताए मुझे, बताओ सर। सर मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा ना, वो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। क्या कंसीडरेशन एडिक्वेट हुआ कि इनएडिक्वेट हुआ या विदाउट हुआ, कहने का मतलब ये है, क्या ये विदाउट कंसीडरेशन हुआ। 20 लाख में बुक किया था, बट उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख है, और डेट ऑफ बुकिंग के दिन 23 लाख बता रहा है सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 का है, बुक डेट ऑफ बुकिंग जिस दिन कर रहा है 23 लाख है, उसने बुक किया था 20 लाख पे, प्रॉब्लम क्या हो गया, इनएडिक्वेट सर, इनएडिक्वेट हो गया। 23 लाख का चीज 20 लाख में बुक किया, स्टैम्प ड्यूटी 32 लाख का है, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। The difference between the stamp duty value and the consideration. So stamp duty value पे और consideration पे हिंदा खोवे सर। Difference को पहले देखो, ठीक है? If such difference exceeds the higher of 50,000 and 10% of consideration, तो consideration कितना है आपका? ये तो पहले बताओ। हिसाब कैसे किया आपने, बोलो? कैसे हिसाब करोगे इसका? बत्तीस लाख में से 23 लाख जाएगा ना, 32 लाख तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, सर एक्चुअल कंसीडरेशन 20 लाख और स्टैम्प ड्यूटी 23 लाख, डिफरेंस 3 लाख, 10% और 50,000 दो तो ही ये होते हैं, तो 3 लाख हो गए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 32 लाख है सर, डेट ऑफ बुकिंग तो 23 लाख, अकाउंट पे ही चेक रहे थे सर, एक लाख अकाउंट पे ही चेक से किया है सर। आगे हमने कोड़े चले, हम अपना पार्शियल पेमेंट होले, अगर अकाउंट पे में होगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं बुकिंग वैल्यू को लिया जाएगा, यही ना। अगर ये है सर, अगर ये अकाउंट पे ही चेक से ना करता तो 32 लाख का वैल्यू मान लिया जाता है ना, है सर।
तो पॉइंट इज दैट कि ये 23 लाख के साथ आपको करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख नहीं 23 लाख हो जाएगा, भले ही 32 लाख दिख रहा है लेकिन अकाउंट में चेक से पेमेंट किया है ना, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कैपिटल गेन के अंदर भी देखा सर, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम कर रहा है, तो 32 लाख भले ही स्टैम्प ड्यूटी है लेकिन आपने तो अकाउंट में चेक से दिया और कैश में नॉन कैश किया आपने और बाकी अमाउंट आप बाद में देने का बात किया, तो 23 लाख के साथ 20 लाख का डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है, 3 लाख। 23 लाख से 20 लाख का जो डिफरेंस है वो है आपका 3 लाख, ठीक है। इसका 10% करो, 30,000 नहीं सॉरी इसका 10% नहीं, 23 लाख का 20% सॉरी प्रोविजन 50,000 एंड डिफरेंस विच एवर इज हायर, एक सेकेंड सर, 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% of consideration मतलब 20 लाख का, हाँ 20 लाख का 10% आपका 20 लाख का 2 लाख, 2 लाख 20 लाख का 10% है 2 लाख, तो 2 लाख और 50,000 कौन ज्यादा है, 2 लाख, 2 लाख, लेकिन the difference between the stamp duty value and the consideration, if such difference is more than the higher of 50,000 and 20% of consideration in case of an, in case the immovable property, in case the immovable property is a residential unit which is held as a stock in trade by the seller and transferred between 12/11/2020 and 36/2021 by way of first time allotment to the buyer and the consideration for the transfer is less than 2 crore. अच्छा सर थोड़ा यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा सर, ये प्रॉपर्टी मूवेबल है कि इमूवेबल है, इमूवेबल है ना, इमूवेबल है, तो नॉर्मली बात क्या कर रहा है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ सच कंसिडरेशन, तो अगर नॉर्मल कंसिडरेशन तो 20 लाख दिख रहा है, 20 लाख का 10% 2 लाख होता है और 50,000 होता है इधर, ठीक है, विच एवर इज हायर, तो नॉर्मली आपको 2 लाख लगना चाहिए है ना, लेकिन क्या फिर बता रहा है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 एंड 20% ऑफ कंसिडरेशन एंड 20% ऑफ कंसिडरेशन, तो 20% ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, 20 लाख का 4 लाख, 20% हो जाता है 4 लाख, 20 लाख का 20% हो जाता है 4 लाख इन केस ऑफ immovable property, एक सेकंड, तो difference तो ज़्यादा आ रहा है ना stamp value से, अगर difference करेंगे तो 12 लाख का difference आ रहा है, 20 लाख का consideration value है और stamp value 32 लाख का है और 2 करोड़ से कम है, तो residential unit बोल चाहे रहे तो question है सर, office building रहे चाहे वो तो residential unit नहीं हुआ, तो 2 करोड़ वाला point तो valid नहीं होगा, वो वाला तो नहीं लेंगे कि stamp duty और उससे value करे, रेसिडेंशियल ये ऑफिस बिल्डिंग था ना हम लोगों का, हाँ तो फिर इसमें ऊपर वाले जो पहले कर रहे थे वही तो होगा जिसमें वो 10% ले रहे थे, सेकंड वाला तो रेसिडेंशियल यूनिट का था जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, पर ये तो ऑफिस बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल यूनिट है ही नहीं, सर बिल्डिंग तो स्टॉक नहीं है, दिस इज नॉट स्टॉक भी नहीं है, ये बिल्डिंग उसका काम नहीं है, बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं है उसका, तो सेकंड पॉइंट में नहीं जा सकते हम लोग, ये वाला जो प्रोविजंस है क्योंकि ये स्टॉक तो है नहीं है ना, तो फिर ये वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, लेकिन ये ऊपर वाला पॉइंट ही होगा, डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, सर 2 लाख तो 50,000 এর উপরে হয়, 3 লাখ টা তো স্যার 50,000 এর উপরে হচ্ছে আর 2 লাখ এর উপরে হচ্ছে, মানে যেটা আপনার 10% রয়েছে, 23 लाख से 20 लाख घटाओगे तो 3 लाख आते सर, 3 लाख और अपना रखना है 10% कंसीडरेशन है कोले सर, 2 लाख आते और 50,000 दो डोरी ऊपर रह जाए 3 लाख, वो अच्छा मतलब सॉरी सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही कर उसमें ज्यादा सोच लिया मैंने, ओहो कॉन्सेप्ट इज सिंपल, मतलब जो डिफरेंस वैल्यू है वो अगर 50,000 से ज्यादा है तो जो जितना ज्यादा होगा वही आएगा, 10% ऑफ कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, नॉर्मली 10% ऑफ कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है ना,
तो बेसिकली जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसीडरेशन, इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसीडरेशन, जो ज्यादा होगा वो हो जाएगा, मतलब ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंसीडरेशन का डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन द 50,000 एंड 10% ऑफ कंसीडरेशन, तो 10% ऑफ कंसीडरेशन मतलब 2,00,000, और हमारा जो डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसीडरेशन कितना है, 3,00,000, है ना? 3,00,000 सर, मतलब 23,00,000 यस सर माइनस 20,00,000 दैट इज 3,00,000, है ना? और आपका 20,00,000 का 10% 10% 2,00,000 ठीक है, 2,00,000 इज हायर देन 50,000, है ना? हायर देन, हां, बट लेस देन 3,00,000, हां बट लेस देन 3,00,000, तो जो वैल्यूएशन है वो आपका 3,00,000 होगा। तो कहने का मतलब है ये यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया सबको, इसलिए मेरे को डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसीडरेशन दैट इज 23,00,000 माइनस 20,00,000 इज 3,00,000 एंड इफ सच डिफरेंस एक्सेड्स द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसीडरेशन, तो 10% ऑफ कंसीडरेशन हो गया 2,00,000 और 50,000 में से जो ज्यादा है वो है 2,00,000, 2,00,000 और 3,00,000 में कौन ज्यादा है, 3,00,000, तो 3,00,000 होगा आपका जवाब। सबको समझ में आया रे? थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो गया सर, थोड़ा कंफ्यूज ही आ गया सर, कोई बात नहीं, चलो सर एक बार पूछे थे फिर और एक बार, हाँ फिर से लिखते लिखते समझा लेते, चलो लिखो लिखो समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दादा आगे अमाउंट एक तो देखा, पहले वाला अमाउंट क्या था, लिखी नहीं ना कि यहाँ लोगों ने अमाउंट लिखी नहीं, तो ना आगे बोलते बोल लाम इधर पौरे काल में वो अच्छा ये अमाउंट अगी चार नंबर तो कुन अमाउंट चिलो ना उड़ा तो कुछ हो बे ना तो टैक्स भी रहता ना पांच कुछ लिखी नहीं तो लिखी तबे तो डिफरेंस बिटवीन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज 23,00,000 देख स्टैम्प ड्यूटी 32,00,000 बोला गया है डेट में, बट अगर तुम अकाउंट पे चेक में टाइम पे करते हो तो फिर पार्ट पेमेंट भी करते हो अकाउंट पे चेक में तो फिर वो आपका वैल्यूएशन बुकिंग डेट में जो वैल्यू है वो लिया जाएगा, जिसका मैं पहले लेक्चर्स में बता के रखा सर, कैपिटल गेन के अंदर भी बोला, बीपी के अंदर भी बोला था, ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रुपीज 23,00,000 ऑन द डेट ऑफ बुकिंग एंड द एक्चुअल कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 20,00,000, तो आपका एक्चुअल कंसीडरेशन कितना है, 20,00,000 का है और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23,00,000 का है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, पेड इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 सिंस डिफरेंस जो है डिफरेंस एक्सीड्स 2,00,000, मतलब 23,00,000 और 20,00,000 का जो डिफरेंस है व्याक्षी, 23,00,000 एंड 20,00,000 का डिफरेंस जो है कितना है, yes, sir. 3,00,000 है ना, तो ये 2,00,000 को क्रॉस कर रहे है ना, ये 3,00,000 जो है एक्सीड्स 2,00,000 और ये 2,00,000 क्या है, 2,00,000 इज दी बिंग दी हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसीडरेशन, तो वैल्यू हो जाएगा ये आपका आधा सोर्स का इनकम माना जाएगा। तो क्या मतलब निकला फिर से एक बार बता देते हैं सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्योंकि अकाउंट पे ही चेक में हुआ है, भले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 32,00,000 का स्टैम्प बोला है, लेकिन क्योंकि आपने अकाउंट पे ही चेक में किया है तो आपका बुकिंग डेट का जो वैल्यू है वही आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? तो 23,00,000 अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाता है और 20,00,000 आपका क्यों हुआ, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक में किया आपने, पार्ट पेमेंट भी किया तो अकाउंट पे ही चेक में किया, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो 23,00,000 माइनस 20,00,000 वो भी टाइम पे किया, मतलब पहले किया आपका, तो 23,00,000 माइनस 20,00,000 इक्वल टू 3,00,000, ठीक है? ये 3,00,000 जो है
ये आपका किससे ज्यादा है? कंसिडरेशन रिसीव, मतलब आपका जो 20 लाख का कंसिडरेशन था, 20 लाख का जो कंसिडरेशन था, 20 लाख का 10%, ठीक है, कितना हो जाता है 2 लाख और 50,000, इसमें से कौन ज्यादा? 2 लाख ज्यादा, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है? 3 लाख। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्या मैंने आपको लिखाया एकदम क्लियरली लिखा दिया? देखो क्या रब कर दिया, अरे गलत चीजों रब कर दिया, एक सेकंड रुको, इससे रब करना चाहिए था, दूसरे चीज से रब कर दिया। तो क्या मतलब निकला प्रियाक्षी? देख ध्यान से देख ले एक बार फिर से, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दी ऑन द डेट ऑफ बुकिंग एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख पेड इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10। सिंस डिफरेंस एक्सीड्स 3 लाख, जो 2 लाख से ज्यादा है तो वही आपका वैल्यू माना जाएगा, बस इतना बात है। बोल प्रियाक्षी, क्लियर है? है सर। अब टोटल कर सबको, सर सारा का सारा पॉइंट को टोटल कर लो ना सर, जितना भी टोटल पॉइंट्स था सब पॉइंट को टोटल करो और प्लीज टेल मी कितना आ रहा है। सब टोटल करके सर 9,35,000, 9,35,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आईफोज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 9,35,000, दिस इज द आंसर सर। लेकिन सर आपको और एक चीज पूछा था, पता है ना आपको, आपने जमीन बेचा था ना सर 7 लाख का, प्लॉट ऑफ लैंड जो आपको फ्री में मिला था, विदाउट कंसिडरेशन आपके फ्रेंड से मिला था, याद है ना, मिस्टर बी से। तो 7 लाख का जमीन अगर आप बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन होगा कि नहीं? सर बिल्कुल होगा। तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? तो कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आपका हो जाता है, सेल कंसिडरेशन ऐसे लिख लो, सेल कंसिडरेशन 7 लाख और यहां से लेस कर दो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था वही ले लेंगे, पेमेंट तो कुछ नहीं था, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर डिम्ड टू बी दी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, डिम्ड टू बी स्टैम्प वैल्यू एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एंड ऑल्सो एज पर सेक्शन 49 कैपिटल गेन का सेक्शन है फॉर सेक्शन सबसेक्शन 4। तो 5 लाख का जो वैल्यू था वही आपका यहां पर आ जाएगा, तो 7 लाख माइनस 5 लाख करके 2 लाख, दिस इज योर शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा कैसे पता करोगे? सर बेचा 1 मार्च 2022 को और दोस्त से मिला था, फ्रेंड से मिला था 1 जुलाई 2021 को, कितना दिन का टाइम हो रहा है सर बोलो? शॉर्ट टर्म में सर 24 मंथ सर, कौन 24 मंथ का नहीं हो रहा है, वेरी गुड सर। तो एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बस समझ में आ रहा है सर? ऐसा लेवल हो सकता है क्वेश्चन का, अगर आपको पूरा आदर्श सोर्स को और समझना है और प्रोविजंस पढ़ना होगा। नोट्स मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को, अच्छा सबको लिख लिया सर जो मैंने लिखाया अभी? क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? बोलो कॉपी कर लिए कि नहीं, किसी का बाकी है? ओके सर। ओके सर, तो अभी क्या करना है, मैं नोट जो शेयर कर दिया आप लोगों को ऑलरेडी, उसको गो थ्रू करना है, जो जो पॉइंट मैंने पढ़ाया उसको भी गो थ्रू करना है, और साथ में जो पॉइंट्स अभी बाकी हैं मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। एक होमवर्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, इसी जो नोट्स मैंने अभी आपको किया इसी क्वेश्चन के अंदर है, उसको घर पर ट्राई कीजिएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है वहां पर कि आदर्श सोर्स इनकम क्या क्या है, करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और आज मैंने जो कैपिटल गेन का लास्ट वीक का दिया था उसका मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किया, अगर आप लोगों ने रीचेक करना है आप लोगों को तो प्लीज वो वीडियो देखे, और पूरा क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा के दिया, प्लीज एक बार देख लो। नंदिनी ने मेरे को शेयर किया, नंदिनी मैं देखा तो एक बार चेक कर लेना, मैं भी देखा नहीं अभी भी, ठीक है, मौका नहीं मिला, मैं देख के तेरे को बता दूंगा, अगर कोई गड़बड़ रहेगा
तो मैं बोलूंगा कि क्लास को एक बार रेफर कर लो, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर, ओके। थोड़ा लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही है। राक्षी